जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज विशेष दिन है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। त्रेता युग में भगवान ने अवतार लिया, लीलावतारम। भगवान के अवतार 6 प्रकार के होते हैं, उसमें जो राम अवतार हुआ वो लीलावतार की कैटेगरी में आता है। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, मन्वंतरावतार, शक्त्यावेशावतार, ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं परम पुरुषः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम आदि मूर्ति सु कला नियमेन तिष्ठन्, जितने अवतार हैं सब गोविंद से निकलते हैं, गोविंद आदि पुरुष। और गोविंद नाना परिस्थितियों में नाना प्रकार से लीला करते हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन करना चाहते हैं भगवान, तो उसी में एक रूप धारण किया भगवान श्री राम ने। केशव धृत राम शरीरा, केशव धृत राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव ने धारण किया राम का शरीर, राम का शरीर धारण किया केशव ने इस जगत का पालन करने के लिए। किस लिए भगवान अवतार लेते हैं? जगत का पालन करने के लिए। पालन का अर्थ क्या है? मेंटेनेंस, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। पालन का मतलब ये नहीं कि केवल खाना पीना की व्यवस्था करना। सरकार खाना पीने की व्यवस्था कर दे लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो शांति नहीं रहेगी, है कि नहीं? केवल व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करनी है, बल्कि उसको भौतिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि उसकी मानसिक आवश्यकता, आध्यात्मिक आवश्यकता, हर तरह का आवश्यकता का पूर्ति आवश्यक है। और क्या क्या आवश्यकता है जीव की? जीव की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकता उसकी पूर्ति करते हैं भगवान, मानसिक आवश्यकता और रस चाहिए जीव को, रस का आनंद, आध्यात्मिक आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, है कि नहीं? प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद और सुख में अंतर है। इंद्रियों की तृप्ति से सुख होता है, किंतु आनंद कब होता है? जब आत्मा प्रसन्न होती है। प्रेम, प्रेम से आनंद की प्राप्ति होती है। भोजन कर लेने से सुख मिलेगा,
लेकिन जब तक जीवन में प्रेम ना हो आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान एक जीव की आवश्यकता क्या है? प्रेम। मानते हैं आप सब जी? प्रेम है, सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है तो सब कुछ रहते हुए डिप्रेशन में रहता है व्यक्ति, सुसाइड कर सकता है कि नहीं? हर चीज़ है लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए इसकी भी व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। और इसको पालन करने, किसका? प्रेम का पालन करने के लिए। संसार में जब भी प्रेम की कमी हो जाती है, ऐसे तो कमी ही रहती है हमेशा भौतिक संसार में, तो हमेशा निगेटिव में ही रहता है प्रेम। तो उसी प्रेम की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं भगवान। लोग समझते धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म क्या है? प्रेम पुमार्थ महान। धर्म तो सबसे नीचे वाला घट रही, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, चार सीढ़ियाँ है, सबसे नीचे है धर्म। उसके बाद क्या है? अर्थ, अर्थ के बाद काम, और काम के बाद फिर मोक्ष, और मोक्ष के बाद फिर पांचवी सीढ़ी है प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम पुमार्थो महान, सर्वश्रेष्ठ। और प्रेम भी उसमें भी कई प्रेम अंतिम अवस्था है, और प्रेम में भी कई सारी वैरायटी है, कई सारे तरीके से लोग प्रेम करते हैं भगवान से। तो इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम करता है कि नहीं? प्रेम का भूखा है संसार है। सिनेमा में गीत है क्या? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कौन है प्यार का सागर? भगवान। भगवान प्रेम के समुद्र हैं, हम क्या हैं? हम प्यासे हैं प्रेम के। तो इसलिए हमारी प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। जैसे सबरी प्यासी थी, जो भीलनी थी सबरी, वो प्यासी थी, हजारों वर्षों से इंतजार कर रही थी प्रभु का। क्यों? और कोई नहीं था जो उसकी प्यास बुझा सकता था? संसार में हजारों लोग थे, अरबों लोग हैं, अभी भी 7 अरब लोग हैं। किसी को भी अपना पुत्र मान सकती थी। 10,000 वर्षों तक उसने इंतजार किया ठाकुर जी का, पद्म पुराण के अनुसार। तो और भी तो जगह जा सकती थी, किसी को भी अपना ले, अपना अडॉप्ट कर ले, अनाथ आश्रम में जाके अडॉप्ट कर ले किसी को, है कि नहीं? कई लोग ऐसा करते हैं। एक माता जी मेरे से मिली थी, उनकी उम्र 82 साल 82 ईयर्स, और 4 गोली डिप्रेशन की रोज़ खाती हैं, और 25 माला करती हैं। बड़ा आश्चर्य है, 25 माला करने के बाद भी 4 डिप्रेशन की गोली है? ऐसा कैसे है? इतनी रो रही थी, बड़ी दुखी है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, पूछ रही है कि मैं 25 माला करती हूँ, 32 माला भी कभी कभी कर ले, 64 भी करती हूँ, लेकिन डिप्रेशन की 4 गोली खाए बिना जी नहीं सकती, ऐसा क्यों? प्यासा है, आत्मा प्यासी है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। उसी प्यास को बुझाने के लिए जीव जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही है, झूठा। झूठा भी कोई कर ले तो कह देता है आई लव यू, तो लोग उसके ऊपर अपना जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं?
और जान लेने के लिए भी, उसके लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप 25 माला कर रही हैं? वो पूछ रहे हैं, प्रभु जी मैं 25 माला करती हूँ फिर भी मेरा डिप्रेशन क्यों होता है। मैंने कहा आप गलत जगह आस लगाए बैठी हैं, गलत जगह आस लगाए बैठी हैं। रेगिस्तान में बैठकर मृग मरीचिका में पानी ढूंढना, डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? विद्यापति जी कहते हैं, तातल सई कते बारी बिंदु समा सुतमी तरमणि समाजे है। तातल से कत गर्म बालू की तरह, गर्म बालू, गर्म बालू पर एक पानी की बूंद गिर जाए तो क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। उसी तरह से जीव, और कोई व्यक्ति गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए, इतना प्यासा है, और बोले आप बोलिए मुंह खोलिए आपको आज जीव भर के पानी पिलाऊंगा। और क्या किया? हाँ, एक बूंद टपका दिया, प्यास बुझेगी या बढ़ जाएगी? हैं, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। उसी तरह से इस संसार में प्यार के नाम पे जो मिलता है जीवात्मा को, वो क्या है? जीवात्मा प्यासी है, समुद्र के लिए मिलता है बूंद, तो उसकी प्यास क्या होती है? और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। तो उसकी प्यास को बुझाएगा कौन? समुद्र। समुद्र कौन है? भगवान है। उसी प्यास को बुझाने के लिए ठाकुर जी क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। जनरली गीता के श्लोक में लोग यही जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य क्लानिर् भवति भारत, अधर्म की यदा यदा ही धर्मस्य क्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम से जाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो किसी को भी भेज देंगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी, है कि नहीं? उनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड नष्ट होते हैं, है कि नहीं? तो ब्रह्मांड को जब नष्ट कर सकते हैं इच्छा से, तो रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए खुद आना पड़ेगा? नहीं, जस्ट बाय मेयर हिज डिजायर्स ही कैन डिस्ट्रॉय द होल यूनिवर्स, बट टू स्पीक ऑफ टाइनी डेमन्स, है कि नहीं? फिर क्यों आते हैं? प्रेम, प्रेम की स्थापना के लिए। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिबारे दान, सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। ये प्रेम, प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र की जो चरित्र है वो पूरा प्रेम से भरा हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक प्रेम, प्रेम ही प्रेम है उसमें। प्रेम प्रमुख चरित्र है भगवान श्री रामचंद्र का है। तो आज का दिन है, भगवान अवतार लिए हैं हम सबका पालन करने के लिए। किस लिए? पालन कर, पालन कर रहे थे हमारी आवश्यकता, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवतार लिए। प्रेम जो हमारा आवश्यकता है उसकी पूर्ति। तो उसी लीला को, भगवान श्री राम की कुछ लीला आज चर्चा किया जाएगा। वैसे तो वाल्मीकि जी का रामायण 6000 पेज का है, 6000, और इसको पूरा संपन्न करना चाहते हैं तो 50 दिन चाहिए। अगर रोज आप 2 घंटे क्लास करेंगे तो 50 डेज लॉकडाउन में मुझे लगता है कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। इससे ज़्यादा तो मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग में 8 बजे से अगर रोज हम 2 घंटे करें तो सुबह राम कथा समाप्त हो जाएगी लॉकडाउन में।
हैं, और शाम में चैतन्य भागवत। लेकिन भक्त लोग थक जाएंगे, इतना श्रवण नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? मैं तो कर सकता हूँ कीर्तन, क्योंकि इसमें आनंद है, तो हम लोग करेंगे कथा। जिसको सुनना है आ सकते हैं, जब आपको फ्री हो जाए तो आ जाइएगा, फिर जब काम आ जाए तो चले जाइएगा। हमारी कथा चलती रहेगी 8 से 10, और कोई कंपलसरी नहीं है, आप जब कंफर्टेबल हो आ जाइए, हैं, और जब आपको कोई काम आवश्यकता पड़े चले जाइए, और रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, बाद में भी सुन सकते हैं, है ना? क्या कल से चलेगा कंटिन्यूशन? आज से शुरू हो रहा है ना, आज से चलेगा, कल से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, 8 से 10 बजे से, ठीक है। तो आज कथा हमारी चलेगी, क्योंकि आज तो प्रसाद पाना नहीं है, है कि नहीं? 12 बजे तक तो क्या करेंगे? कथा करेंगे, है ना? श्रुत्वा वस्तु समग्रम् तद्धर्मात्मा धर्म संहितम् व्यक्तम् मन्वेपते भूयो यद्रितं तस्य धीमतः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला, क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला बुद्धिमान श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी का चरित्र धर्म अर्थ और काम और मोक्ष प्रदान करता है। नारद जी के मुख से सुनकर और उससे भी अधिक चरित्र जानने की कामना से जल से हाथ पैर धोकर आचमन कर हाथ जोड़कर कुशासन पर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए महर्षि वाल्मीकि योग बल से श्री रामचंद्र आदि के चरित्र को देखने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी, नारद जी ने सूत्र में वर्णन किया, सूत्रों में मूल रामायण जिसको कहते हैं, और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि जी को। नारद जी देखिए कितने महान व्यक्तित्व हैं, इतने बड़े बड़े संत हुए, सबके गुरु वही हैं, व्यास जी के भी गुरु वही हैं, वाल्मीकि जी के भी गुरु वही हैं। तो नारद जी के मुख से उन्होंने श्री रामचंद्र चरित्र को सुना, किसने? वाल्मीकि जी ने सूत्र में सुना, सूत्र में, डिटेल में नहीं। और उसके बाद ध्यान लगाने लगे। नारद जी ने कहा आप ध्यान लगाएंगे तो सारी डिटेल में आपको साक्षात दिखाई देगा आपके, आपको रामलीला। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथे न च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हासितं भासितं चैव गतिर्यायच्च चेष्टितं तत्सर्वधर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरतावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्वेक्षितम्। ध्यान लगा दिया, ऐसे ध्यान लगा रहे हैं। कौन? वाल्मीकि जी। आप लोग भी ध्यान से देखिए, हैं कैसे ध्यान लगा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ध्यान ऐसे लगा दिया एकदम, और कुछ
पहले पवित्र हुए जो प्रोसेस है उसके द्वारा, और ध्यान लगाने के बाद जैसे ही ध्यान लगाए तो मन में नहीं सोच रहे, साक्षात आँखों में दर्शन हो रहे हैं। आँखें तो बंद हैं तो दर्शन कैसे हो रहे हैं, हैं? हृदय की आँख से, हृदय की आँख से, आत्मा की आँख से दर्शन होना शुरू हो गया। साक्षात कहाँ पहुँच गए, रामलीला में पहुँच चुके हैं। कौन? वाल्मीकि जी रामलीला में प्रविष्ट हो गए, सामने दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखिए, ध्यान सुनिए क्या दिख रहा है। श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता और कौशल्यादि सहित महाराज दशरथ, दशरथ का और संपूर्ण राज्य मंडल, संपूर्ण राज्य मतलब अयोध्यापुरी दिख रही है, और वहाँ पे जो कुछ हंसना हो रहा है, हंस रहे हैं लोग वो भी दिख रहा है, बोल रहे हैं वो भी दिख रहा है, आदि वृतांत, और मन में क्या सोच रहे हैं वो भी दिख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब सीरियल देखोगे तो मन में क्या चल रहा है नहीं पता चलेगा। आप लोग सीरियल चल ही रहा, आप अलग से कथा क्यों शुरू कर रहे हैं, है कि नहीं? रामायण सीरियल तो चल ही रहा है, कथा करने के, क्योंकि इसमें मन में क्या चल रहा है भगवान के तत्व जिसको कहते हैं, एवं यो व्यक्ति तत्व, तो दशरथ जी के मन में क्या भाव है, ऐसे बोल रहे हैं लेकिन मन में किस भाव के कारण वो इस तरह का वचन बोल रहे हैं, वो भाव को प्रकाश करते हैं कौन? ऋषि वाल्मीकि। ये सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति क्या कर रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्यों कर रहा है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हाँ बोलो मुस्कुरा रहे, पूछ क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मारूंगा तेरे को है कि नहीं? ये भी भाव हो सकता है, और क्या भाव से मुस्कुरा रहे हैं ये कोई नहीं जानता बेटा, तू बहुत पीटने वाला है बहुत जल्दी ये भी हो सकता है, आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये बताएंगे नहीं तो कोई कुछ भी समझ सकता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी तीन तैसी। तो ऋषि का क्या योगदान है कि ऋषि जब ध्यान लगाते हैं ना तो गुरु के आशीर्वाद से उनको मन में क्या चल रहा है वो भी प्रकट होता है। ये सबसे अद्भुत बात है, ये सबसे अद्भुत बात है। तो चरित्र करें कि उनके सारे वृतांत और चरित्र थे, और सत्यव्रत श्री रामचंद्र जी ने वन में जो कुछ चरित्र किए थे सो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से जीव के त्यों सब दिखाई पड़ने लगे। अनवेक्षितम शब्द आया, अनवेक्षितम मतलब दिखाई पड़ रहा है। किसके वरदान से? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आपको साक्षात दिखाई देगा लीला, वर्चुअल रियलिटी। योगाभ्यास द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने उन सब चरित्रों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह देखा। कैसे देखा? जैसे आप हथेली पे आंवला रख लें और सामने रख के देखें तो कैसे दिखेगा, कितना स्पष्ट दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा ना, उस तरह से स्पष्ट देखा लीलाओं को। कौन सी लीलाओं को? जो लीलाएं पहले घटित हो चुकी हैं। रामायण कब लिखा वाल्मीकि जी ने? जब भगवान श्री रामचंद्र रावण को पराजित करके जब वापस आ चुके थे अयोध्या में, और अयोध्या में राम राज्य चल रहा था उस समय रामायण की रचना की वाल्मीकि जी ने। जब माता सीता कहाँ थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में, उस समय रामायण की रचना की, और कहाँ बैठ के कर रहे थे? वन में। वाल्मीकि जी का आश्रम, अपने आश्रम में बैठकर रामायण की रचना की है। यानी कि अयोध्या में जा जाकर छुप छुप के लीला देख देख के लिख रहे थे, नोट्स बना के, ऐसा नहीं है। और वहीं से सारी, तब तक सारी लीलाएँ हो चुकी थी, केवल कुछ लीलाएँ लास्ट के लीलाएँ बाकी थी। इस रामायण के बाद कुछ लीलाएँ हुई, लिखने के बाद कुछ लीलाएँ हुई है वो भी बताएंगे, है ना? इसलिए वो लीलाएँ रामायण में इंक्लूड नहीं किया है, जो रामायण लिखने के बाद की लीला हुई है, जिसको कहते हैं लौकुश कांड।
तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने उन लीलाओं को देखा जो पहले घटित हो चुके थे, ऐसा बताया जा रहा है। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम योगम आस्त, योग में स्थित हो, कैसे देखे, योग में स्थित होकर देखे। पूरा यत तत्र निर्वृतम, उन लीलाओं को जो पूरा मतलब प्राचीन समय में पहले हो चुका है, उन लीलाओं को देखा। कैसे देखा, जिस प्रकार से कोई हथेली पे आंवला देखता है योगाभ्यास की शक्ति से। सब वृतांतों को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यथार्थतः देखा, तत्व ज्यों का त्यों देखा। कह रहे तत्सर्वम तत्व तो दृष्टवा, यहां पे देखिए तत्व शब्द है ना, क्या तत्सर्वम तत्व तो दृष्टवा, उन लीलाओं को ही नहीं देखा, केवल लीलाओं को नहीं देखा, उसके पीछे के तत्व जो थे उसको भी देखा। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः। सब वृतांतों को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से तत्वतः जान लेने के पश्चात महाद्वितीयमान महर्षि वाल्मीकि लोकाभिराम श्री राम जी के चरित्रों को श्लोकबद्ध करने के लिए तत्पर हुए। अब श्लोक पे लिखना शुरू किए, देखकर श्लोक पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला, समुद्र की तरह रत्नों से भरा पूरा और सुनने से मन को हरने वाला श्री रामचंद्र जी का चरित्र जैसा कि नारद जी से सुन चुके थे वैसा ही महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाया। श्री रामचंद्र का जन्म, उनका पराक्रम, सबका उन पर प्रसन्न रहना, उनके किए लोकप्रिय कार्य, उनकी क्षमा, सम्यता, सत्यशीलता आदि गुण संपन्नता, विश्वामित्र की सहायता करना, विश्वामित्र का श्री रामचंद्र जी से नाना प्रकार की कथाएं कहना वो उनका सुनना, धनुष का तोड़ना, जानकी जी के साथ उनका विवाह होना, हैं क्या क्या लिखा वो सब बता रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आज सारी रामायण ख़त्म कर देंगे हम लोग। विवाह हो गया, उसके बाद श्री रामचंद्र जी व परशुराम जी का वाद विवाद, श्री रामचंद्र जी के गुण तथा उनके राज्याभिषेक की तैयारियां, कैकेयी का उसमें बाधा डालना, अभिषेक के कार्य में विघ्न का पड़ना, श्री रामचंद्र जी का वन गमन, महाराज दशरथ का विलाप तथा उनका परलोक गमन, अयोध्या वासियों का शोक विह्वल होना, फिर मार्ग उनका मार्ग से अयोध्या वापस लौट आना, निषाद राज का संवाद, सुमंत की विदाई, श्री रामचंद्र आदि का श्री गंगा जी के पार उतरना, भारद्वाज जी का दर्शन, उनकी अनुमति से चित्रकूट गमन, चित्रकूट में शास्त्रोक्त विधि से पर्ण कुटीर बनाकर उसमें वास करना, भरत जी का श्री राम जी के मनाने के लिए आगमन, श्री राम जी का पिता को जलदान, श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं का भरत जी द्वारा अभिषेक, अर्थात पादुकाओं का राज सिंहासन पर अभिषेक कर नंदीग्राम में रहकर अयोध्या पर शासन करना, श्री रामचंद्र जी का दंडकारण्य गमन, विराट वध, सर्वभंग का दर्शन, सुतीक्षण से भेंट, अनुसुईया जी से मिलना और उनके द्वारा सीता जी को अंगराग का दिया जाना, अगस्त जी का दर्शन, जटायु से भेंट, पंचवटी में जाना, सूर्पणखा का दिखलाई पड़ना, सूर्पणखा से बातचीत और उसको विरूप करना, खर त्रिशिरा आदि का मारा जाना, रावण का निकलना, मारीच वध, सीताहरण, श्री रामचंद्र जी का सीता के वियोग में विलाप करना, जटायु की रावण द्वारा हिंसा, कबंध का मिलना व पंपासर देखना, सबरी का मिलना और हनुमान से भेंट होना, ऋषिमुख पर्वत पर गमन। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी लिख रहे हैं सबरिया दर्शनम, मतलब सबरी का दर्शन, सबरी को दर्शन दिया है ना, सबरी के द्वारा दर्शन। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है ना सबरी के बारे में। उसके बाद हनुमान जी से भेंट होना, ऋषिमुख पर्वत पर गमन,
सुग्रीव से समागम, सुग्रीव को बाली वध का विश्वास दिलाना, उनके साथ मैत्री का होना, बाली सुग्रीव की लड़ाई, बाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, तारा का विलाप, वर्षा ऋतु में पर्वत पर श्री रामचंद्र जी का निवास, सुग्रीव पर श्री रामचंद्र जी का कोप, बानरी सेना को जमा करना, बानरों को सीता जी का पता लगाने के लिए भूमंडल का वृतांत समझा कर भेजा जाना, श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी को अंगूठी देना, बानरों का स्वयं प्रभा के बिल में प्रवेश, उपवास आदि कर समुद्र तट पर मृत्यु की आकांक्षा करना, संपाति का दर्शन, पर्वत पर हनुमान जी का चढ़ना और सागर को लांघना, समुद्र के कथन के अनुसार मैनाक पर्वत का समुद्र जल के ऊपर निकलना, छाया ग्रहण करने वाली सिंहिका राक्षसी का वध, लंका को देखना, रात्रि में हनुमान जी का लंका में प्रवेश करना, अकेले सोचना, रावण को देखना, पुष्पक विमान को देखना, उस घर में जहाँ रावण शराब पीता था वहाँ हनुमान जी का जाना, और अंतःपुर अर्थात रावण की स्त्रियों के रहने की जगह का अवलोकन, अशोक वाटिका में जाकर सीता जी का दर्शन करना, राक्षसियों का सीता जी को डराना, त्रिजटा राक्षसी का स्वप्न देखना, हनुमान जी का सीता जी की पहचान की अंगूठी देना, सीता जी के साथ हनुमान जी की बातचीत, सीता जी का हनुमान जी को चूड़ामणि देना, हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका के वृक्षों का नष्ट किया जाना, राक्षसियों का भागना और रावण के नौकरों का मारा जाना, हनुमान जी का पकड़ा जाना तथा हनुमान जी के द्वारा गरज गरज कर लंका को जला देना, समुद्र को पुनः लांघना, मधुवन के मधु फल को खाना, श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाना तथा उनको चूड़ामणि का दिया जाना, श्री रामचंद्र जी का समुद्र तट पर पहुंचना और नल नील का समुद्र पुल पर पुल बांधना, समुद्र के पार होना, रात्रि में लंका को घेरना, रावण के भाई विभीषण का श्री रामचंद्र जी से समागम होना और रावण के वध का उपाय बतलाना, कुंभकर्ण का मारा जाना और मेघनाद का वध, रावण का नाश तथा शत्रुपुरी लंका में सीता जी का मिलना, विभीषण का लंका की राजगद्दी पर अभिषेक, पुष्पक विमान का विभीषण द्वारा श्री रामचंद्र जी को भेंट में दिया जाना, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या गमन, वहाँ भरत से समागम, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक तथा बानरी सेना की विदाई, श्री राम जी का राज सिंहासन शील होने पर प्रजाजन को खुशी करना, वैदेही का त्याग। इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र जी ने इस भूमंडल पर और जो जो चरित्र आगे किए उन सब का वर्णन भी इस काव्य में भगवान वाल्मीकि जी ने किया। तो अभी तक तो जितना हुआ था, जो अभी तक हो चुका था उसका वर्णन तो किया ही, और उसके आगे जो होने वाला था उसको भी लिखा है, पहले ही लिख के और रख दिया कि आगे क्या क्या करेंगे, ये भी अद्भुत बात है, यहाँ बता रहे हैं ना। तत्चकार उत्तरे काव्य, उत्तरे मतलब जो बाद में होने वाला है, पूर्व काव्य तो लिखा, बाद में जो होगा अभी होने वाला है फ्यूचर में भगवान करेंगे वो भी लिख दिया त्रिकालदर्शी है, उन सब का वर्णन वाल्मीकि भगवान ने किया है। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमात्मवान। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे तब महर्षि वाल्मीकि जी ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। तो टाइम बता रहे हैं, कब, कौन लिख रहा है ये, स्वयं वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी अपने ही बारे में लिख रहे हैं, कि तब इस प्रकार से लिखे हैं जिससे कि लगे कि कोई और लिख रहा है, आप समझ रहे हैं बात को, थर्ड पर्सन मतलब उस समय भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे।
24,000 श्लोक, कितने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 6 कांड और साथ ही उत्तर कांड की भी रचना महर्षि ने की, सातवां कांड उत्तर कांड। इस प्रकार जब वे 6 कांड और उत्तर कांड बना चुके थे तब वे विचारने लगे कि यह काव्य पढ़ाएं किसे। किताब तो लिख दिया लेकिन प्रचारक भी तो होना चाहिए जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करे, हैं? जैसे श्रीमद् भागवत लिखने के बाद व्यास जी सोच रहे हैं किसको पढ़ाएं जो डिस्ट्रीब्यूट करे इसको, हैं? तो सुखदेव जी को ढूंढा, है ना। उसी तरह से वाल्मीकि जी ने जब लिख दिया रामायण तो कह रहे हैं कि कृत्वापि तन महाप्राज्ञ सभविष्य सह उत्तरम चिंतयामास को नेतत प्रयुत जिया दिति प्रभु। किसको दें जो इसको पढ़ाए। वे यह सोच ही रहे थे, अभी विचार ही कर रहे थे कि इतने में कुश और लव ने आकर वाल्मीकि जी के चरण छुए। उन यशस्वी धर्मात्मा दोनों राजपुत्रों को महर्षि ने देखा जिनका कंठ स्वर बड़ा मधुर था। क्या कंठ स्वर कैसा होना चाहिए? मधुर। कंठ स्वर बड़ा मधुर था और जो उन्हीं के आश्रम में उन दिनों वास करते थे। कथा कहने वाले व्यक्ति का कंठ स्वर थोड़ा मधुर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ बता रहे हैं ना। उन्हीं के आश्रम में उस दिनों वास करते थे दोनों, कौन? कुश और लव। बुद्धिमान और वेदों में निष्ठा रखने वाले जानकर वेद के अर्थ को श्लोकों में प्रकट कर महर्षि ने उन दोनों को वह काव्य पढ़ाया। मतलब डिसाइड कर ली कि इन्हीं दोनों को ट्रेन करूँगा मैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। रामायण के प्रथम वक्ता कौन थे? फर्स्ट वक्ता, हाँ, स्पीकर, बच्चे। बच्चों को इतना ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, इतना अच्छा इसी। महर्षि ने सीताराम के संपूर्ण चरित्र, रावण वध के वृतांत सहित इस काव्य का नाम पौलस्त्य वध काव्य रखा। क्या नाम रखा? पौलस्त्य वध। यह चरित्र पढ़ने तथा गाने में मधुर है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और गा भी सकते हैं, गाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ ना गा के। वैसे आइडियल तो है गा के करना, है ना। लॉकडाउन है तो पढ़ ही पा रहे हैं अभी लॉकडाउन के कृपा से, नहीं तो गाने का तो भूल जाइए, है कि नहीं। यह चरित्र पढ़ने तथा गाने में मधुर है। पठये गे च मधुरम प्रामाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्बद्धं तन्त्रीलयसमन्वितं। तीनों प्रमाणों से युक्त है। तीन प्रमाण, द्रुत, मध्य और विलंबित, तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं। द्रुत प्रमाण, मध्य प्रमाण और विलंबित, सात स्वरों से बंधा हुआ है इसको, सात स्वरों से बंधा हुआ और गैर वीणा आदि बजाकर गाने योग्य है। इंस्ट्रूमेंट से आप गा सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है रामायण, है ना, वाल्मीकि जी ने। इसको अलग अलग राग में गा सकते हैं। श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये क्या है? नवरस। नवरस, नवरस भाव विकारम, इन नौ रसों से पूर्ण है ये श्री रामायण ग्रंथ। श्रृंगार रस भी है, करुणा रस भी है, हास्य रस भी है, मजाक भी है। आपको ढूंढना पड़ेगा लेकिन कहाँ मजाक है, हंसी मजाक भी है, हैं? और रौद्र रस भी है, रौद्र, भयानक रस भी है,
वीर रस भी है, विभत्स रस भी है, अद्भुत रस है, शांत रस है। इन रसों की चर्चा करेंगे तो एक क्लास लग जाएगा, तो इसलिए डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे, है ना। इन रसों से युक्त काव्य को कुश और लौ ने गाया। वे दोनों राजकुमार गान विद्या में निपुण, ताल और स्वर को भली भांति जानने वाले थे। गान विद्या में निपुण थे, ताल और स्वर दोनों को भली भांति जानते थे। स्वर संपन्न और गंधर्वों की तरह सुंदर थे, सुस्वरूप और सुलक्षणों से संपन्न। मीठे कंठ वाले दोनों राजकुमार ऐसे जान पड़ते थे मानो श्री रामचंद्र जी की देह के प्रतिबिंब अलग रख दिया गया हो। वे ऋषि ब्राह्मण और साधुओं के सामने रामचरित्र को जैसा कि उन्हें बतलाया गया था बड़ी सावधानी से गाया करते थे। तो सीख लिया उन्होंने, सारा सीख लिया और ऋषियों के सामने उसको गाया करते थे। एक बार श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ में महात्मा महाभाग तथा सर्वलक्षण युक्त दोनों भाइयों ने प्रौढ़ विचार संपन्न महात्मा ऋषियों की सभा में बैठकर यह काव्य गाया। जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो ऋषियों की सभा बैठी थी, उसमें जाकर इन्होंने क्या किया, रामचरित्र का गान किया। अश्वमेध यज्ञ भगवान राम का, जिसको सुनकर मुनियों के शरीर रोमांचित हो गए। कथा ऐसा होना चाहिए कि शरीर रोमांचित हो जाए और उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। वे आश्चर्यचकित हो गए, साधु साधु कहकर उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा करते हुए वे धर्मवत्सल ऋषि अति आनंदित हुए। उन गाते हुए प्रशंसा के योग्य राजकुमारों की प्रशंसा कर ऋषि बोले कि गान बड़ा मधुर है और श्लोकों का माधुर्य तो बहुत अधिक चढ़ बढ़कर किया है इन दोनों ने, क्योंकि बहुत दिनों की बीती घटना प्रत्यक्ष की तरह दिखलाई पड़ती है। इस तरह से कथा का वर्णन किया दोनों ने कि लग रहा था सामने हो रही है लीला। ऐसे इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रशंसित दोनों राजकुमार उनके मन के भाव अनुकूल अति मधुर वाणी से अर्थात राग से उस काव्य को गाने लगे। उसे सुन ऋषियों ने उन गाने वालों की बड़ी बड़ाई की। राग सहित मधुर कंठ से गाने वाले उन राजकुमारों के मधुर गान पर प्रसन्न हो सुनने वालों में से किसी ने हंसकर उनको कलसा दिया, किसी ने वल्कल दिया, किसी ने मृगचर्म दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने मौंजिक मेखला दी, किसी ने आसन दिया, किसी ने कौपीन दिया, किसी ने कुल्हाड़ी दिया, किसी ने कपाय वस्त्र दिया, किसी ने चीर दिया, किसी ने जटा बांधने का डोरा दिया, किसी ने कोई यज्ञ पात्र दिया और किसी ने माला दी, किसी ने प्रसन्न होकर स्वस्ति और आयुष्मान कहकर आशीर्वाद ही दिया। इस आश्चर्यप्रद काव्य के प्रणेता की प्रशंसा कर ऋषि कहने लगे, गिफ्ट दिए, सुनने के बाद क्या दिया, गिफ्ट दिया है ना? ना जिसके पास जो भी था, ऋषि के पास क्या होता है, यही सब रहता है, जटा बांधने का रस्सी किसी ने दे दिया, किसी ने कॉपी नहीं दे दिया, उसके बाद देने के बाद फिर सब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह काव्य पीछे के कवियों का आधार स्वरूप है और यथाक्रम समाप्त किया गया है। यह ग्रंथ जैसा अद्भुत है वैसा ही गीत विशारद इन दोनों राजकुमारों ने इसे गाया भी है। यह काव्य श्रोताओं की आयु बढ़ाने वाला तथा उनकी पुष्टि करने वाला और सुनने से सबके मन को हरने वाला है। इस प्रकार मुनियों से प्रशंसित दोनों राजकुमारों को कथा समाप्त होने के बाद दोनों राजकुमार फिर वापस जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे अयोध्या के राजमार्ग पर। राजमार्ग पर जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने दोनों बालकों को देखा और वे उन दोनों भाई कुश और लौ को अपने भवन में लेकर गए, रास्ते में मिल गए राजमार्ग में। शत्रु का नाश करने वाले श्री राम जी ने
घर पर उनका उन सत्कार करने योग्य दोनों कुमारों की भली भांति आदर सत्कार किया और आप सोने के दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। घर ले जाकर उनका स्वागत सत्कार किया, अपने ही बेटे थे पर पता नहीं था, पता नहीं अभी कौन किसको पता है, पर भगवान है तो पता, अंतर्यामी है, पर बाहरी दृष्टि से अभी तक उनको नहीं पता है, है ना। सिंहासन पर बैठ गए और मंत्रियों व भाइयों सहित बैठे हुए श्री रामचंद्र जी उन रूपवान और सुशिक्षित दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत से कहने लगे कि इन देव समान तेजस्वी गायकों के गान किए हुए इतिहास को सुनो। कुछ सुनाने वाले हैं बच्चे, थोड़ा बैठो सब लोग, सुनो क्या बता रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनो। भगवान रामचंद्र स्वयं बोल रहे हैं कि सुनो रामायण, किसको सुना सुनने के लिए बोले, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सारे मंत्री सबको बुला के बोले सुनिए रामायण सुनो, छोड़ो सब काम बाद में करेंगे, है ना। इसमें नाना प्रकार के विचित्र अर्थ सहित पद हैं, यह कह उन्होंने उन बालकों को अच्छे प्रकार गाने की आज्ञा दी। तब उन दोनों ने उस भली भांति सीखे हुए काव्य को वीणा के साथ स्वर मिलाकर ऊंचे स्वर से स्पष्ट गाया। वीणा साथ में लेके बैठे थे, वीणा बजाते हुए, है ना, गा रहे थे, किताब से नहीं पढ़ रहे थे, उनको याद था पूरा रामायण, पूरा एक कंठस्थ था उनको, 24,000 श्लोक, है ना। उस सभा में बैठे हुए लोगों के मन और हृदय उस गान को सुनकर अत्यंत आह्लादित हो गए। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूति करम प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधयत् ततस्तु तौ राम वचः प्रचोदिता वगायतां मार्गविधान संपदा सचापि रामः परिपदगतः सनै बुभूषयासक्तमना बभूवः। श्री रामचंद्र जी भी कहने लगे कि राज लक्षणों से युक्त इन बड़े तपस्वी कुश और लव ने प्रभाव उत्पादक जो चरित्र गाए हैं वे मुझे बहुत अच्छे जान पड़ते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी द्वारा प्रोत्साहित हो दोनों भाई गायन विद्या की रीति से सरसाकर बड़ी अच्छी तरह गाने लगे। सभा में बैठे श्री रामचंद्र उनका गान सुन धीरे धीरे उनके गान पर मोहित हो गए। अब कथा शुरू हो रही है, यहाँ तक क्या था बैकग्राउंड, अब लव कुश कथा प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। पांचवें सर्ग से कथा शुरू हो रही है, चार सर्ग समाप्त हो गया, ये पांचवा सर्ग शुरू होगा अभी। कुल कितने सर्ग हैं, 500। सर्वां पूर्वमियं जेषां आसित कृत्स्ना वसुंधरा प्रजापतिम् उपादाय नृपाणां जयशालिनां। राजा वैवस्वत मनु, कौन राजा वैवस्वत मनु आदि जयशाली राजाओं के समय से हैं, सप्त द्वीपात्मिका अखिल पृथ्वी अपूर्व ही चली आती है, अथवा महात्मा मनु जी से लेकर जयशाली राजाओं के समय से इस सप्त द्वीपात्मिका समस्त पृथ्वी मंडल पर एक छत्र शासन रहा है। जिस वंश में हैं मनु, व्यवस्थित मनु के वंश, व्यवस्थित मनु, अभी की कौन मनु के लीला चल रही है टाइम, वैवस्वत मनु, वाल्मीकि जी कहते हैं कि वैवस्वत मनुवंतर में सूर्यवंश, सूर्यवंश की लीला है ये। उनके पुत्र थे कौन, वैवस्वत मनु के पुत्र विवस्वान, विवस्वान, विवस्वान के पुत्र इक्ष्वाकु, विवस्वान
मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। तो महात्मा मनु जी जिस वंश में से थे उसी में वे वहाँ एक सगर नाम के राजा हुए, जिनके साथ 60,000 पुत्र चला करते थे। उनकी दो पत्नी थी, एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, एक से एक, है ना। तो सोचिए 60,000 बेटे चलते थे सगर महाराज के साथ, और वही जल गए थे कपिल मुनि के श्राप से, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ किए थे तो घोड़ा चुरा लिया इंद्र ने, है ना। तो झूठ ढूंढने के लिए गए थे 60,000 पुत्र, तो चले गए कहाँ, गंगा सागर। वहाँ से पाताल में घुस गए, पाताल में देखे कि कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं, सोचे यही है इंद्र है, इसने रूप बना के हमको ठगना चाह रहा है, उनको है ना अस्त्र शस्त्र से उठाकर मारने के लिए चले। तो उन्होंने आँख खोले तो जल के भस्म हो गए, तो उन्हीं को उन्हीं का त्राण करने के लिए फिर बाद में भागीरथी ने क्या लेकर आए, भागीरथी गंगा लेकर आए, वही सगर। तो जब ढूंढ रहे थे सगर के जो पुत्र थे 60,000, जब ढूंढ रहे थे घोड़े को, जगह के घोड़े को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उसी खोदने से क्या बन गया, समुद्र बन गया, है ना। समुद्र जो बना है अभी पृथ्वी पे, 7 समुद्र उन्हीं के द्वारा बनाया गया, इसीलिए उसको सागर बोलते हैं। सागर किसके नाम पे बोलते हैं, सागर के नाम से ही सागर बोला जाता है, महासागर समुद्र को। जिनके साथ 60,000 पुत्र चला करते थे और जिन्होंने समुद्र खोदा था, समुद्र का सागर नाम सागर राजा से ही हुआ है, उन महात्मा इक्ष्वाकु वंश वाले राजाओं के वंश में यह महाकथा उत्पन्न हुई है, जो रामायण के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। उसी रामायण की कथा को आज हम लोग आदि से अंत तक कहेंगे। अतः इसे ईर्ष्या छोड़कर श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। लौकुश बोल रहे हैं, अब कौन बोल रहा है आगे से कथा, लौकुश बोल रहे हैं, मैं उनके बिहाव पे बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन बोल रहे हैं लौकुश, ऐसे समझना है, है? तो लौकुश बोले कि ईर्ष्या त्यागना पड़ेगा आपको कथा सुनना है तो, श्रद्धा के साथ ईर्ष्या त्याग कर, अनसूयवे, क्या अनसूयवे शब्द है यहाँ पर, है ना, मतलब ईर्ष्या त्याग कर भगवान की कथा सुननी है ना। कथा शुरू हो गई अब। कोसलो नाम मुदितः स्फितो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा हुआ उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कोसल नाम का एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की नगरी बसाई हुई है। अध्याय किसने बसाया, महाराज मनु ने। तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक राज्य नगरी था जिसको मनु ने बसाया था। यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी, मतलब 96 मील। अयोध्या का साइज कितना था, 96 माइल। अभी पृथ्वी पे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, टोक्यो। टोक्यो का साइज कितना है, 56 मील। छप्पन मैं गया नहीं हूँ, पर 56 माइल, सबसे बड़ा शहर जो अभी पृथ्वी पे है उस 56 माइल है, और अयोध्या कितना था, 96 माइल। दिल्ली 32 माइल है, बॉम्बे 16 माइल, और अयोध्या बॉम्बे का 6 गुना, 96 माइल्स। नगर में बड़ी सुंदर और लंबी और चौड़ी सड़कें थी, यानी कि सड़क बनाने का कॉन्सेप्ट आज से ही शुरू हुआ है, पहले नहीं था, ऐसा नहीं है।
पहले भी सड़कें हुआ करती थी और लंबी और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। वह पूरी अयोध्या, सबसे पहले कथा शुरू हुई तो किसका वर्णन हुआ? अयोध्या का। इसी तरह से नवद्वीप का वर्णन हुआ था, कब याद है? जब चैतन्य भागवत शुरू हुआ था, सबसे पहले नवद्वीप पुरी का वर्णन। पुरी सबसे महत्वपूर्ण है, तो फर्स्ट उसका वर्णन, उसको प्रणाम करना चाहिए। वह पुरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है शहर में, इससे पता चलता है। दो बार बात बोल दिए, पिछले श्लोक में भी बोले, इस बार भी बोल रहे हैं कि सड़क बहुत चौड़ी थी। मतलब ये कॉन्सेप्ट पहले था कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए अगर अच्छा दिखना है नगर को, तो ये नहीं कि आज का ही कॉन्सेप्ट है, मूर्ख लोग कुछ जानते नहीं। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था, डेली डेली सड़कों की सफाई होती थी। किसे? जल से, साफ किया, इतना तो नहीं होता है आजकल। और फूल बिछाए जाते थे सड़कों पर डेली, ये सोचिए। मुक्त पुष्प अवकीर्णे न जल सिकते न नित्य सह, कि रोज जो है पुष्प अवकीर्णे न पुष्प बिछाए जाते थे राज सड़क पर, है ना, और जल से सींचा जाता था सड़क को डेली। कितना स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट, सोचिए। इंद्र की अमरावती पुरी की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। स्वर्ग के राजा इंद्र की जो नगरी है, जहाँ इंद्र निवास करते हैं, है ना, वो अमरावती पुरी उसका नाम है। तो उसके उससे मतलब अमरावती पुरी के समान अयोध्या का सौंदर्य था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते हैं। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, है ना, तोरण द्वार, बड़े बड़े तोरण द्वार, मतलब समझ रहे हैं, मेन गेट, गेट जो होता है उसको तोरण द्वार कहते हैं, जहाँ से एंट्री होती है, है ना। अलग अलग जगहों पे गेट्स बनाए हुए थे, बड़े सुंदर और एकदम कहते ऑपुलेंट दरवाजे, उसी प्रकार है इस तोरण द्वार सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। उसमें उस नगरी में सूत माधव और बंदीजन भी रहते थे। वहाँ के निवासी अतुल धन संपन्न थे। इतना धन वहाँ के निवासियों के पास, कितना धन था? अतुल, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, तुलना नहीं कर सकते आप, कंपेयर नहीं कर सकते किसी और सिटी से। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान थे, यानी कि पहले लोग मिट्टी के मकान में रहते थे, आजकल हम लोग एडवांस हो गए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए लिखा है यहाँ पे कि बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान थे, मतलब बहुत हाइट था, जो ध्वजा और पताकाओं से शोभित थे, बने हुए थे, और परकोटे की दीवालों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। स्त्रियों की नाट्य समिति भी थी, मतलब स्त्रियों के लिए भी नाट्य समिति, मतलब उनके लिए व्यवस्था था वहाँ पे। हाँ, यस, किटी पार्टी, उसमें कमी नहीं थी। और सर्वत्र जगह जगह पर पार्क यानी उद्यान थे, उद्यान बने हुए थे अलग अलग जगह पर, पार्क, गार्डन, जैसे आजकल होता है ना सिटी में पार्क, उस समय पार्क थे, उद्यान, उद्यान आम्र वणों पेताम, और आम के बगीचे नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के चारों ओर सखुआ के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए, नगर के चारों ओर बाउंड्री, बाउंड्री पे, है ना, बाउंड्री जो होता है ना नगर का, वहाँ पे किसी के वृक्ष लगे थे? सखुआ के वृक्ष। वैसे जान पड़ते थे मानो अयोध्या रूपिणी, अयोध्या रूपी स्त्री की कर, अयोध्या रूपी स्त्री करघनी पहनी हो, करधनी,
यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी, फोर्ट फोर्ट जैसा था, और फोर्ट के चारों तरफ क्या होते हैं, लाल किला आप जाएंगे तो क्या देखेंगे, लाल किले चारों क्या रहता है, खाई रहता है। उसी तरह अयोध्या के चारों तरफ क्या था, खाई था। ये कॉन्सेप्ट वाल्मीकि जी ने जब लिखा उस समय पता था कि खाई बनाया जाता है फोर्ट के चारों तरफ। ये कोई नया नहीं है कि मुसलमानों ने बनवाया है कि नहीं। चारों तरफ खाई से युक्त थी तथा उसे किसी भी प्रकार भी शत्रु जन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे, ऐसे डिजाइन किया गया था कि कोई अगर आक्रमण करे तो घुस नहीं सकता अयोध्या के अंदर। हाथी घोड़े बैल और ऊंट खच्चर हर जगह दिखाई पड़ते थे। हाथी घोड़े ये सब तो जगह जगह हर दरवाजे घर के सामने हाथी घोड़े ऐसे घूमते रहते थे। सोचिए कैसा शहर होगा हैं। कर देने वाले राजाओं और पहलवानों का यहाँ सदा जमावड़ा लगा रहता था। उस पुरी में अनेक देशों के लोग व्यापार आदि धंधों के लिए बसते थे। वो अयोध्या आज देखिए क्या स्थिति हो गया उस अयोध्या का हैं। रत्न खचित महल, महल जो थे वो रत्नों से जड़े हुए थे और पर्वतों से वह पूरी शोभामान हो रही थी। मतलब उस समय क्या था, अयोध्या में पहाड़ भी थे, 96 माइल्स थी, पहाड़ भी था उस अयोध्या के अंदर। मतलब कहीं कहीं पहाड़ों पे भी महल बने होंगे ऐसे समझिए, जानते थे बात। उस पुरी में अनेक देशों के लोग व्यापार आदि धंधों के लिए बसते थे। वहाँ पर स्त्रियों के क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे। स्त्रियों को के लिए क्या बने थे, क्रीड़ा गृह, स्पोर्ट्स ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम, जहाँ स्त्रियाँ जो हैं खेलने जाती थी हैं, जिनकी सुंदरता देख यही जान पड़ता था मानो यह दूसरी अमरावती पुरी है। राजभवनों का सुनहला रंग था, राजभवन का रंग कैसा था, गोल्डन, गोल्डन कलर का। महाराज दशरथ का जो राजभवन था उसका कलर कैसा था, गोल्डन, उसी कलर का बनाना चाहिए मंदिर। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां रहती थीं, रत्नों के ढेर वहां लगे रहते थे और आकाश स्पर्शी हैं सतखने मकान, मतलब विमान गृह जहां देखो वहाँ दिखलाई पड़ते थे, विमान गृह सभी तम बताया गया है। विमान गृह मतलब एयरपोर्ट, हाँ विमान गृह है, विमान गृह समझ रहे हैं क्या। सर्व रत्न समाकीर्णम विमान गृह शोभितम ऐसा लिखा है। विमान गृह मतलब क्या होता है, सुनो बोलो, हाँ एयरपोर्ट, जहाँ पे विमान आकर वहाँ पे रहते थे, विमानों को रहने का स्थान। उसमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान मकान जो है बड़े मजबूत होते थे और सघन, और बड़ी सघन बस्ती थी। सघन बस्ती मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, सघन। नगरी में साठी के चावलों के ढेर लगे हुए थे, चावल भरे हुए थे, जहाँ देखो सबके घर में भंडार भरा हुआ है। और कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल भरा हुआ था। अयोध्यापुरी की नगाड़े, मृदंग, बाणी, पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। मतलब नगाड़े ये सब वाद्य यंत्र बजते रहते थे ना, ये तो नहीं बजता दिल्ली में, किसी शहर में नहीं बजता ऐसा। गाड़ियों की इतनी आवाज आती है, उसी की आवाज़ काफी। पृथ्वी तल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी नहीं। उस पुरी में तप द्वारा स्वर्ग में गए हुए सिद्ध पुरुषों के विमानों जैसे सुंदर घर बने हुए थे। स्वर्ग में जैसे घर होते हैं ना, वैसे घर बने हुए थे जिनमें उत्तम कोटि के मनुष्य रहा करते थे। तो घर भी अच्छे क्वालिटी थे, उसमें रहने वाले भी उनका भी क्वालिटी अच्छा था, वो इम्पोर्टेंट है।
है कि नहीं, घर अच्छा हो उसमें रहने वाले लोगों की क्वालिटी ख़राब हो जाए है? तो वो भी क्वालिटी कम नहीं था, घर का और घर वालों का दोनों की क्वालिटी बता रहे हैं लोग, उसकी अच्छी क्वालिटी के थे। उसमें ऐसे भी वीर थे, ऐसे ऐसे वीर रहते थे अयोध्या नगरी में, वीर योद्धा जो असहाय और युद्ध छोड़कर भागने वाले शत्रु का कभी वध नहीं करते थे, ऐसे वीर थे कि कोई हार गया अगर युद्ध में भाग रहा है तो कभी उसको मारते नहीं थे। जो शब्द भेदी बाण चलाते थे, शब्द भेदी बाण मतलब समझ रहे हैं, आँख बंद कर लेंगे, जहाँ आवाज़ सुनाई दे रहा है बाण चलाएंगे मार देंगे बिना देखे, केवल शब्द सुन करके कहाँ पे व्यक्ति कहाँ से शब्द आ रहा है शब्द के निशाना लगा सके। और जो बाण चलाने में बड़े फुर्तीले थे तथा जो अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण निपुण थे, सिंह व्याघ्र, व्याघ्र मतलब टाइगर पाग, बराह आदि वन के पशु जो वनों में दहाड़ते हुए घुमा करते थे, उनको अस्त्र शस्त्रों से तथा उनके साथ मल्ल युद्ध करके उनको मारने वाले वीर इस नगरी में अनेक थे। बाघ शेर से लड़के मल्ल युद्ध करते थे और पटक के मार देते थे, इतने पावरफुल मतलब अयोध्या के निवासी थे। ऐसे हजारों महारथी वहां रहते थे। महाराज दशरथ ने इस प्रकार से अयोध्यापुरी बसाई थी। ताम अग्निमान भीर गुणवद भीरावृताम द्विजोत्तमई वेद सडंग पार गई सहस्रदय सत्यरतैर महात्म भी महर्षि कल्पै तरिषि भीश्च केवलई। अयोध्यापुरी में सहस्रों हजारों नित्य अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण, सब प्रकार के गुणी, सडंग वेद का पारायण करने वाले विद्वान ब्राह्मण, सत्यवादी महात्मा और जप तप में निरत हजारों ऋषि महात्मा निवास करते थे। तो ऋषि महात्मा भी अयोध्या में, उनके लिए अलग क्वार्टर बना हुआ था, निवास करने का अलग एरिया था। तो ये हो गया पांचवा सर्ग, जिसमें क्या वर्णन हुआ, अयोध्या नगरी का वर्णन। अब आपके मानस पटल पे एक आइडिया लगा, अयोध्या आ गया, शहर तैयार हो गया, वहाँ के नागरिक भी तैयार हो गए हैं। अब डिटेल में आगे बढ़ते हैं। छठा सर्ग, उस अयोध्यापुरी में वेद वेदार्थ जानने वाले राजा दशरथ की बात बारे में बता रहे हैं। 18 गुण राजा दशरथ के यहाँ बताए गए हैं, कितने, 18 गुण, पांच श्लोकों में राजा दशरथ का वर्णन हुआ है। कहते हैं उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ महाराज राज्य करते थे। जो वेद वेदार्थ जानने वाले थे, वेद वेदार्थों का अर्थ जानते थे, केवल फालतू राजा नहीं थे कि केवल इलेक्शन जीत के आ गए हैं, पढ़े लिखे थे, विद्वान, सब वस्तुओं को संग्रह करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, दूरदर्शी, महातेजस्वी, प्रजाप्रिय, इक्ष्वाकु वंश में महारथी, अनेक यज्ञ करने वाले, धर्म में रत, सबको अपने बस में रखने वाले, महर्षियों के समान, राज ऋषि, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, बलवान, शत्रु रहित, सबके मित्र, इंद्रियों को बस में रखने वाले, धनादि तथा अन्य वस्तुओं को संचय करने में इंद्र और कुबेर के समान, महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी में राज्य करते हुए उसी प्रकार प्रजापालन किया जिस प्रकार महाराज मनु किया करते थे। सत्य संध तथा त्रिवर्ग प्राप्ति, धर्म अर्थ काम के लिए अनुष्ठान आदि करने वाले महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का पालन उसी प्रकार करते थे जैसे इंद्र अपनी अमरावतीपुरी का करते हैं। उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में सुख से बसने वाले धर्मात्मा, बहुश्रुत अर्थात बहुत सा एक्सपीरियंस्ड लोग वहाँ निवास करते थे। अब अयोध्यापुरी के वासियों का वर्णन आ रहा है। वहाँ पे राजा का वर्णन हो गया, अब प्रजा का वर्णन, प्रजा के क्या गुण थे। वहाँ पे धर्मात्मा लोग थे, बहुश्रुत, बहुश्रुत बताए, बहुश्रुत का मतलब बहुत कुछ सुना हो देखा है लाइफ में, ऐसे बोलते बहुश्रुत,
है ना, बहुत कुछ देखा, इसको बंद कर दीजिए थोड़ा, है ना, बहुत श्रुत मतलब बहुत कुछ देखा सुना, है ना। और अपने अपने धन से संतुष्ट, क्या ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नगर के निवासी जो हैं, नगर के निवासी के क्या गुण होने चाहिए, किसमें ट्रेनिंग देनी चाहिए सिटीजन्स को, यहाँ पर बताया गया। राजा का किसमें ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और प्रजा की क्या, देखिए इससे सीख सकते हैं, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। आप समझे बात को, धर्म और धर्मात्मा थे, बहुश्रुत थे, और अपने अपने धन से संतुष्ट होनी चाहिए प्रजा, और निर्लोभी, निर्लोभी लोभ नहीं, और सत्यवादी पुरुष रहते थे। उस उत्तमपुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई नहीं था, धनहीन तो नहीं था कोई, लेकिन अल्पधीन भी नहीं था कोई। वहाँ जितने परिवार बसते थे उन सब के पास धन धान्य गाय बैल और घोड़े थे। अयोध्यापुरी में लंपट, कायर, नृशंस, मूर्ख और नास्तिक, ऐसे आदमी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। अयोध्यावासी क्या स्त्री और क्या पुरुष, सब के सब धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे, धर्मात्मा और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों पर पूरा बस था उनका, सारे जितने निवासी थे वे अपने शुद्ध और निष्कलंक आचरण में निष्पाप महर्षियों से टक्कर लेते थे, मतलब ऋषि मुनियों को टक्कर देते थे पवित्रता में, प्यूरिटी में, कॉन्शसनेस की प्यूरिटी में। कौन? अयोध्या के निवासी है? वहां ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो कान में कुंडल, सिर पर मुकुट तथा गले में फूलों की माला न धारण करता हो। सबके सिर पे क्या होता था? मुकुट, कानों में कुंडल और गले में माला, वेशभूषा, अयोध्या वासियों की वेशभूषा, इतना डिटेल में बताया है ना। और जो तेल और फुलेल और चंदन न लगाता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न तेल नहीं लगाता है, फुलेल नहीं लगाता, चंदन नहीं लगाता था। जो हर प्रकार से सुखी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा तो कोई भी न था जिसके स्वच्छता न रहने कारण शरीर से बदबू निकलती हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, है? किसी के शरीर से बदबू नहीं निकलती थी, मतलब साफ सुथरा रहते थे लोग। वहां ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो अशुद्ध अन्न खाता हो, या जो भूखे को अन्न नहीं देता हो, या जिसके गले और हाथों में सोने के गहने ना हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था। जिसने अपने मन को न जीत रखा हो, ऐसा एक भी व्यक्ति ना था। अयोध्या में न तो कोई पुरुष ऐसा ही था जिसे अग्निहोत्र बलि वैश्वदेव करना चाहिए और न करता हो, मतलब हर व्यक्ति अग्निहोत्र करता था। अग्निहोत्र आप जानते हैं, अग्निहोत्र होम होता है ना, सुबह शाम करते थे, उससे सारे अमंगल और बैक्टीरिया सबका नाश होता है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए वैदिक प्रोसेस है। कुछ आयुर्वेदिक औषधि हैं, है ना, ऐसे हर्ब्स हैं, उसको जलाया जाता है उसमें होम में, उससे जो धुआं निकलता है वो वातावरण को शुद्ध करता है। हर घर में होता था तो सोचिए कहाँ से कोरोना आएगा। अग्निहोत्र कल्चर ख़त्म हो गया है ना, इसलिए कोरोना, इस तरह के वायरस डिजीज सब बढ़ेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो क्षुद्र चित्त का था, अर्थात नीच स्वभाव का हो, या चोर हो, या वर्णशंकर हो। एक भी व्यक्ति चोर नहीं था, एक भी व्यक्ति वर्णशंकर नहीं था, एक भी व्यक्ति नीच स्वभाव का नहीं था अयोध्या में। इसलिए अगर वहाँ जाना है तो आपको, इसलिए मैं बताया भगवान के धाम जाना है तो ऐसा बनना पड़ेगा, यहीं से ट्रेनिंग लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं। वहाँ पर तो अपने वर्णाश्रम धर्मों का नित्य अनुष्ठान करने वाले जितेंद्रिय, दान और अध्ययनशील तथा प्रतिग्रह लेने में हिचकने वाले ब्राह्मण बसते थे।
दूसरों को दान देते थे, खुद दान नहीं लेते, दान लेने में हिचकते थे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण थे वहाँ। ब्राह्मणों का वर्णन किया जाए, ब्राह्मणों के गुण जितेंद्रिय थे, दान देते थे, अध्ययनशील थे ब्राह्मण, और दूसरों से दान लेने में हिचकते थे, नहीं लेते थे जल्दी दान। अयोध्या में न तो कोई नास्तिक था, न कोई असत्यवादी, न कोई अल्प अनुभवी, न कोई पर निंदा प्रिय, न कोई असक्त इनकैपेबल, न कोई अशिक्षित मूर्ख। वहां न कोई ऐसा ब्राह्मण था जो नित्य षडंग वेद का स्वाध्याय ना करता हो, रोज पढ़ते थे षडंग वेद, जो एकादशी आदि व्रतों को ना रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, जो पढ़ाने में कोताही करता हो, हैं प्रीचिंग में, कथा करने में, या दीन हो गरीब हो, ऐसा व्यक्ति नहीं था, या पागल हो या व्यथित हो या दुखिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। अयोध्या में बसने वाले क्या पुरुष और क्या स्त्रियां, कोई भी निर्धन और कुरूप नहीं थे। उस पुरी में ऐसा भी कोई पुरुष नहीं देख पड़ता था जो राजभक्त ना होकर राजद्रोही हो। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोरोना फैला देगा। सरकार कंट्रोल करने का प्रयास करेगी, राजद्रोही होगा तो फैला देगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। वहां तो चारों वर्ण वाले लोग बसते थे, जो देवता और अतिथियों का पूजन किया करते थे, जो कृतज्ञ थे, बदान्य थे और दान निपुण थे, सूरवीर और विक्रमशाली थे, सब अयोध्यावासी दीर्घ आयु वाले थे, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे, है ना, यानी कि पुत्र है ही नहीं एक भी, पुत्र भी थे, पौत्र भी थे, स्त्रियां, सब भरा हुआ था घर सबका। वहां के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों के आज्ञाकारी थे और वैश्य गण क्षत्रियों के अनुवर्ती, और शूद्र गण अपने वर्ण धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोगों की सेवा करने वाले थे। महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोध्यापुरी का पालन किया करते थे जिस प्रकार उनके पूर्वज बुद्धिमान नरेंद्र महाराज मनु कर चुके थे, अग्नि के समान तेजस्वी, सरल चित्त, शत्रु बल को न सहने वाले, अस्त्र शस्त्र परिचालन में निपुण योद्धाओं से अयोध्यापुरी उसी प्रकार भरी हुई थी जिस प्रकार पर्वत की कंदराएं शेरों से भरी होती हैं। वीर योद्धाओं से भरी हुई थी नगरी, ऐसी होनी चाहिए, कायरों से नहीं भरी होनी चाहिए नगरी, वीर योद्धाओं से भरी होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर आगे निकल के दुष्टों का संघार विनाश कर सके, है कि नहीं। इंद्र के घोड़ों के समान कंबोज, बालिक, बनायुज और सिंधु नदी के समीपति देशों में उत्पन्न हुए घोड़ों की जाति के उत्तम घोड़ों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी। बहुत सारे घोड़े फर्स्ट टॉप, है ना, हाई क्लास के घोड़े थे, लो क्लास आज तो घोड़े दिखते भी हैं तो लो क्लास वाले दिखते हैं एक दो, है ना, मरे मराए लगते हैं कि कब मर जाएंगे गिर के। विंध्याचल और हिमालय पर्वत में उत्पन्न, नहीं तो घोड़ों का वर्णन, घोड़ों कहाँ से आते थे उस समय, घोड़े आते थे कहाँ से, कंबोज, बालिक, बयानुज और बनायुज और सिंधु नदी के समीपवर्ती देशों में उत्पन्न हुए घोड़े की जाति बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, तो उन घोड़ों को अयोध्या में रखा जाता था, उस समय के फेमस घोड़े होते थे। और हाथी कहाँ से आते थे, विंध्याचल और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न मदमस्त, अति बलशाली तथा पहाड़ों के समान ऊंचे और महापद्म कुल वाले ये हाथी, भद्र स्वभाव के हैं, क्या भद्र स्वभाव के, मंद्र और मृग जाति वाले, और इन तीनों जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त, भद्र मंद्र, भद्र मृग, मृग मंद्र, इन दो दो जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त पर्वताकार हाथियों से भरी थी दो योजन वाली अपने नाम को सार्थक करने अयोध्यापुरी थी। सोचिए हाथियों से भरी हुई थी, इतने पर्वत के समान बड़े बड़े हाथी और घोड़े नगर में, तब तो मजा आए, है कि नहीं, नगर की शोभा कैसी होगी सोचिए। हैं
इस प्रकार की अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ रहकर राज्य करते थे। उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए उसी प्रकार शोभायमान होते थे जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच चंद्रमा रहता है। ताम सत्यनामम दृढ़तोरणार्गलाम गृहै विचित्रै उपशोभिताम शिवाम पुरी मद अयोध्याम नृसहस्र संकुलाम ससास वै शक्र समो महीपति। अपने नाम को चरितार्थ करने वाली अयोध्या, अयोध्या का नाम क्या है जिसको युद्ध में हराया ना जा सके? अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या शब्द से जो दृढ़ तोरण अर्गल आदि से युक्त थी, जिसमें चित्र विचित्र घरे घर बने हुए थे और जिसमें हजारों की संख्या में धनी मनुष्य वास करते थे, महाराज दशरथ इंद्र की तरह उस अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। इस प्रकार से छठा सर्ग पूरा हुआ। उन इक्ष्वाकु वंश उद्भव महाराज दशरथ के मंत्री गणों की अब वर्णन किया जाएगा। मंत्री, मंत्रीगण सर्वगुण संपन्न, सत परामर्श देने में निपुण, अपने स्वामी महाराज दशरथ के मन की गति को समझने वाले, अर्थात इशारों पर काम करने वाले मंत्री कैसे होने चाहिए, और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। कितने? 8। आइडियल टीम, टीम में हमने पढ़ा था ना, कितने लोग होने चाहिए आइडियल टीम में? 8 थे मंत्री राजा दशरथ के। वे सब बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य राज्य कर्म में निरत रहने वाले थे। उन मंत्रियों के नाम क्या क्या थे? धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। तो हम लोग एक का नाम जानते थे, कौन? सुमंत्र जी। इनके अतिरिक्त ऋषिवर्य वशिष्ठ और वामदेव महाराज को यज्ञ भी कराते थे और मंत्री पद का भी काम करते थे। किसी किसी रामायण की पुस्तक में सुयज्ञ, जबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडे और कात्यायन महर्षियों को भी कुल परंपरा से महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में सम्मिलित लिखा गया है। ऋषि भी थे तो दोनों थे, मंत्री भी थे और ऋषि, दोनों की असेंबली में बैठते थे सारे मंत्रिमंडल। ऐसा होना चाहिए आइडियली, है कि नहीं? तब जाके आपको बैलेंस्ड होगा आपका डिसीजन सारा, है ना? ये सब मंत्री, मंत्रियों के गुण सुनिए। 3 श्लोकों में मंत्रियों के गुण बताए गए हैं। विद्या विनय संपन्न, विद्या भी था और विनय भी था। सल्लज, सल्लज मतलब लज्जा, लज्जा वाले थे, बेशर्म नहीं थे। कार्य कुशल, है ना, मतलब कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट है। जितेंद्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में सद्भाव रखने वाले। नीति विशारद, बड़े अनुभवी, धन संपत्ति से भरे पूरे, यानी गरीब नहीं है केजरीवाल की तरह, पैदल चल रहे हैं महात्मा गांधी की तरह बिना कपड़े पहने। तो साधु संत ठीक है, ऋषि हो ऐसे। महात्मा, शास्त्र के मर्म को जानने वाले, शास्त्र के मर्म को जानने वाले हैं भाई। जो खुद ही बिना कपड़े के रहता है, दूसरे को बोलिए तुम ही रहो बिना कपड़े के, चल जाएगा काम, है कि नहीं? दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाएगा ना व्यक्ति जब खुद, है ना, दूसरे की क्या हो सकता है, क्या नहीं समझ पाएगा जब उसके। और शास्त्र के मर्म को जानने वाले, बड़े पराक्रमी थे, प्रसिद्ध, जागरूक, सावधान रहने वाले, राजा के कथन के अनुसार कार्य करने वाले अथवा अपने बात के धनी, जो कहे वही करे, तेजस्वी थे, क्षमावान थे, यशस्वी थे और सदा प्रसन्न मुख हो वचन कहने वाले। क्रोध अथवा लोभवश ही कभी झूठ नहीं बोलते थे
अपनी प्रजा तथा दूसरे राज्यों की प्रजा का कोई भी हाल इन मंत्रियों से छिपा नहीं था, क्योंकि वे अनुचरों द्वारा सब वृतांत जानते रहते थे। स्पाइज थे उनके पास, स्पाइज रखते थे और सब जानते थे अंदर क्या चल रहा है, बाहर दूसरे राज्य में क्या चल रहा है, अपने राज्य में क्या चल रहा है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी है ना। वे व्यवहार कुशल थे, सौहार्द में जांचे हुए और अन्याय कार्य करने पर अपने पुत्र को भी न्याय उचित दंड देने वाले थे। अगर अन्याय अगर अपना पुत्र भी करेगा तो क्या करते थे, दंड देते थे। वे सारे मंत्री अर्थ और सैन्य विभागों के कामों में चतुर, निरपराध, शत्रु को भी न सताने वाले थे। शत्रु को भी नहीं सताते थे बिना काम के, बिना मतलब के। वे वीर और उत्साह को नियमित रखने वाले, राजनीति में निपुण और राज्य में बसने वाले पवित्र आत्माओं की रक्षा करने वाले थे। वे ब्राह्मण और क्षत्रियों को बिना सताए ही राजकोष की वृद्धि करने वाले थे और अपराधी का बलाबल विचार कर कठोर दंड की व्यवस्था करने वाले थे। अगर अपराध करता था तो कठोर दंड, दंड नहीं क्या, कठोर दंड, सुतीक्ष्ण दंडा। सुतीक्ष्ण दंडा मतलब बहुत तीक्ष्ण दंड देते, तीक्ष्ण कठोर, क्या कठोर दंड देना। मंत्रियों में परस्पर ऐक्य और आतंक ऐसा था कि राजधानी और राज्य भर में न तो कोई झूठा और न कोई लंपट न दुराचारी रह पाता था, इतना डर था। हैं हैं मंत्रियों आपस में इतनी एकता थी, यूनिटी था मंत्रियों का, कि क्योंकि यूनिटी ना हो तो एक दंड देगा दूसरा बचा लेगा ना, आप समझ बात करते, यूनिटी थी। और मंत्रियों का आतंक था पूरे राज्य में, राजधानी में, इसलिए वहाँ कोई झूठा लंपट दुराचारी मनुष्य नहीं रह टिक पाता था, वो भाग जाएगा। राज्य भर में अमन चैन विराजता था, वे लोग अच्छे वस्त्र पहनते थे और अच्छी वेशभूषा रखते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मंत्री यानी कि केवल है ना पहन ही नहीं रहा है, अच्छा वेशभूषा रहना चाहिए ना, तथा बड़े सुशील थे। वे सदा राजा का हित चाहने वाले और नीति से चलने वाले थे। वे अच्छे गुणों के ग्राहक और प्रसिद्ध पराक्रमी थे। वे अपने बुद्धि बल से विशेष विदेश अस्त पुरुषों के भी गुण दोष ताड़ लेने के लिए विख्यात थे। जो दूर रहते थे विदेश में, उनके भी दूर से ही उनके बारे में उनका गुण और दोष जानने वाले थे, इतने एक्सपर्ट थे मिनिस्टर्स है ना, फॉरेन पॉलिसी में सब जानते थे। वे संधि और विग्रह की नीति के मर्मज्ञ, वास्तविक संपत्ति वाले, राजकाज संबंधी सलाह को छिपा कर रखने वाले, प्रतिभावान और सूक्ष्म विचार करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। वे नीति शास्त्र के विशेषज्ञ और सदैव प्रिय वचन बोलने वाले थे। इस प्रकार के गुण युक्त मंत्रिमंडल से युक्त महाराज दशरथ भेदिया पुलिस द्वारा राज्य का समाचार जानकर प्रजा का मनोरंजन करते हुए पृथ्वी पर राज्य करते थे। भेदिया पुलिस मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आज ही आया है, पहले भी था। वे अधर्म त्याग कर प्रजा का पालन करते थे। वे सत्य बोलते थे और बदान्यता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। वे पुरुष सिंह महाराज दशरथ इस पृथ्वी का शासन करते हुए अपने से अधिक व अपने समान शत्रु को कभी नहीं देखते थे। अपने अधीनस्थ छोटे राजाओं से सम्मानित और मित्रों से युक्त महाराज दशरथ अपने प्रताप से इंद्र की तरह राज्य करते थे। हितकारी, तेजस्वी, समर्थ, अनुरागी मंत्रियों सहित महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते हुए सूर्य की तरह तपते थे। तो इस प्रकार से सातवें सर्ग में महाराज दशरथ के मंत्रियों के गुणों का वर्णन और नाम, आठ मंत्री और उनके क्या क्या गुण थे, है ना, ऐसी नगरी है, आइडियल स्टेट। अब आठवां सर्ग, ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ, किंतु उनके तपस्या करने पर भी वंश वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था। सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया, लेकिन एक कमी थी, क्या, वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं था। तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं। इस प्रकार
यज्ञ करने का भली भांति निश्चय करके परम ज्ञानी महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। सोचे कि मैं यज्ञ करूंगा, सुमेध यज्ञ किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सुमेध यज्ञ। ऐसा विचार मन में आया तो उसको उस पर और विचार विमर्श करने के लिए क्या किए? शेयर्ड आइडिया, शेयर्ड विजन है क्या? हाँ, तो अपने मंत्री को बुलाया और सब मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत्र से महाराज दशरथ ने कहा कि तुम हमारे सारे गुरुओं और पुरोहितों को भी शीघ्र बुला लाओ। मंत्रियों को भी बुलाया और पुरोहित गुरुओं को भी बुलाया। शीघ्रगामी सुमंत्र अतिशीघ्र उन सब वेद पारक गुरुओं को बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जबाली, काश्यप और पुरोहित वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों को भी सुमंत्र बुला कर लाए। उन सब का धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किया और धर्म और अर्थ युक्त उनसे यह मधुर वचन कहे, पुत्र के लिए बहुत विलाप करने पर भी मुझे पुत्र सुख नहीं हुआ, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है, किंतु मैं शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग सोच विचार कर बतलाएं कि हमारी इष्ट सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। महाराज के यह वचन सुनकर सब उपस्थित ब्राह्मणों ने महाराज के विचार की प्रशंसा की और वशिष्ठ आदि बोले कि आपने बहुत अच्छा कार्य करने का निर्णय लिया। वे सब अत्यंत प्रसन्न हो महाराज से बोले कि यज्ञ की सामग्री एकत्र करके घोड़ा छोड़िए, सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप बनवाइए। हे राजन, ऐसा करने से आपका पुत्र प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए आपने यह उपाय बहुत ही अच्छा विचारा है। उन ब्राह्मणों की ये बातें सुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो मंत्रियों की को आज्ञा दी कि मेरे गुरु की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की तैयारी की जाए। उपाध्याय के साथ समर्थ रक्षकों सहित घोड़ा छोड़ा जाए और सरयू के तट पर यज्ञ के लिए स्थान ठीक किया जाए। विघ्न निवारक क्रियाकलाप यथाक्रम और यथाविधि किए जाएं, क्योंकि सब राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। अश्वमेध यज्ञ करना ही बहुत कठिन काम है, इसमें विघ्न बाधाएं आती हैं बहुत सारी। इसलिए महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों को कहा विघ्न निवारक क्रियाकलाप जरूर करना। कुछ ऐसी विधि विधान होते हैं जिससे कि यज्ञ में जो विघ्न पड़ने वाला होता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। महाराज दशरथ बोले, एक बात का ध्यान रखना कि इस यज्ञ की विधि पूरी करने में न तो कोई अपचार हो और ना ही किसी को कष्ट होने पाए। कोई भी यज्ञ करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, कोई अपचार नहीं होना चाहिए और ना ही कोई कष्ट हो किसी को। यज्ञ किया और सब लोग ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड है कि नहीं? ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? यदि कहीं ऐसा हुआ, अगर किसी को कष्ट हो गया, कोई उपचार हो गया, तो छिद्रान्वेषी विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे। आप समझे बात को? इसलिए आचरण से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल कर रहे हैं, फेस्टिवल में तो यज्ञ हुआ ना, चाहे रथ यात्रा फेस्टिवल हो, जन्माष्टमी फेस्टिवल हो, यज्ञ है, या हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बाधा करेगा। तो राजा दशरथ जो है कितने केयरफुल हैं, ऐसे होना चाहिए लीडर को।
विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है, अतः विधिपूर्वक यज्ञ पूरा होना चाहिए। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे यह यज्ञ विधि यथाविधि हो। यह कार्य आप ही लोगों पर निर्भर है। महाराज के इन वचनों को सुन सब मंत्री लोगों ने कहा जो आ गया। ब्राह्मण गण भी महाराज को आशीर्वाद दे और महाराज से विदा मांगकर अपने अपने घरों को लौट गए। ब्राह्मणों को विदा कर महाराज अपने मंत्रियों से कहने लगे, ऋत्विजों ने जैसी विधि बतलाई है यह यज्ञ उसी विधि के अनुसार निर्विघ्न पूरा हो, इसका भार आप ही लोगों पर है। यह कहकर महाराज ने उपस्थित मंत्रियों को भी विदा किया और आप भी वहां से उठकर रनिवास में चले गए और अपनी प्राण प्यारी रानियों से बोले, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, तुम भी यज्ञ दीक्षा के नियमों का पालन करो। महाराज के मुख से यह प्यारे वचन सुन रानी बहुत प्रसन्न हुई। इस सुखदाई संवाद को सुन रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में खिले कमल के फूल शोभा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत्र ने एकांत में महाराज से कहा कि मैंने ऋतुजों से एक पुरानी बात सुनी है। अब ये तो यज्ञ का प्लान हो गया, तो जब महाराज दशरथ एकांत में बैठे थे तो सुमंत जी उनके पास आए और सुमंत जी ने उनको एक बात बताई। कौन सी बात थी? जो उन्होंने सनत कुमार आदि ऋषियों से सुना था सुमंत जी ने, तो बताए कि हे महाराज, मैंने ऋत्विजों से एक बहुत पुरानी बात सुनी है। आपके संतान के बारे में, किसके बारे में? महाराज दशरथ पूछे किससे रिलेटेड? बोले आपके संतान के बारे में। किससे सुना है? बोले भगवान सनत कुमार, भगवान सनत कुमार ने ऋषियों से ये कथा कही थी और मैं भी वहाँ बैठा था लेक्चर में, और उन्होंने पहले ही बता रखा है आपके संतान के बारे में। महाराज दशरथ बड़े, अच्छा ये तो पता नहीं था, बताओ। तो सुमंत जी कहते हैं कि कश्यप के पुत्र विभंदक, कश्यप ऋषि के एक पुत्र थे हैं जिनका नाम है विभंदक, और विडंबक के पुत्र होंगे ऋषि श्रृंग। सनत कुमार जी ने बताया था कि कश्यप के पुत्र विभंदक और विभंदक के पुत्र ऋषय श्रृंग। विवन और ऋषय श्रृंग जो हैं वो वन में ही रहेंगे, सदा वन में पिता के पास रहने के कारण अन्य किसी पुरुष या स्त्री को नहीं जान पाएंगे, ऐसा ऋषय श्रृंग के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि विभंडक ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या कर रहे थे, बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र डर गए, तो उनको मेनका भेजा इंद्र ने, तो अप्सरा से आकर्षित हो गए, तो उनको एक पुत्र हो गया और अप्सरा पुत्र जन्म करके उससे भाग गई फिर स्वर्ग, इनके ऊपर लाद दिया पुत्र। तो बहुत पछताए, बोले बहुत कान पकड़ता हूँ आज से, स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा ना। तो उन्होंने ऐसा किया कि अब बोला कि मैं तो चलो मेरा तो पसंद, लेकिन अपने बेटे को ऐसे माहौल में रखूँगा कि कभी टच में नहीं आएंगे कोई स्त्री के, तो बिल्कुल जंगल में जहाँ 80 मील तक कोई स्त्री प्रवेश न करे, और उन्होंने श्राप दे देते थे ऐसे कोई स्त्री घुस जाए तो ना, पक्का अपने बेटे को पक्का एकदम प्रोटेक्ट करके रखे थे। तो उसी को बता रहे हैं कि कश्यप पुत्र विभंडक के ऋषि श्रृंग नामक पुत्र होंगे, वे वन में ही रहेंगे और सदा वन में पिता के पास रहने के कारण अन्य किसी पुरुष या स्त्री को नहीं जान पाएंगे। उनके लाइफ में केवल एक ही व्यक्ति था उनके पिता फादर, न किसी पुरुष न स्त्री किसी से नहीं मिले थे लाइफ में कभी नहीं, और पक्के ब्रह्मचारी व्रत पालन करते थे। ऋषि सिंह दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, दो प्रकार के ब्रह्मचर्य होता है ना, कौन कौन सा? एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी, जानते हैं ना।
नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी मतलब जो विवाह करता है, विवाह करता है और केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री का संग करता है, पत्नी का, तो उसको कहते हैं उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। वो भी ब्रह्मचारी है ना, उसको ब्रह्मचारी बोला गया। कहाँ, किसने, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है। याज्ञवल्क्य जी लिखते हैं है ना कि षोडशर्तु निशा स्त्रीणां तस्मिन् युग्मासुसन विशेत ब्रह्मचारी एव, ब्रह्मचारी एव परचान्य परचान्यात् आश्च तस्र सौवर्जयेत है ना। ये याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है। दो प्रकार के ब्रह्मचारी, तो दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक भी रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के लिए बतलाए गए हैं और लोकों में प्रसिद्ध हैं, दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। अग्नि और अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जब ऋषि श्रृंग को बहुत समय बीत जाएगा, तब अंग देश में महाबली और प्रतापी रोमपाद नाम के एक प्रसिद्ध राजा होंगे। कुछ दिनों बाद रोमपाद के अत्याचार से वर्षा बंद होने के कारण महाविकराल सब प्राणियों को भयदायी दुर्भिक्ष पड़ेगा। मतलब महाराज रोमपाद जी है ना, रोमपाद, उनके राज्य में क्या पड़ेगा, दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी है ना। तो जब दुर्भिक्ष आएगा, क्योंकि क्यों दुर्भिक्ष आएगा, क्योंकि कुछ अत्याचार किया था इन्होंने उसके कारण है ना, तब वह राजा उस अनावृष्टि से दुखी हो सुविज्ञ एवं शास्त्र के ब्राह्मणों को बुलाकर पूछेगा है, ब्राह्मणों से बुलाए राजा पूछेगा, आप लोग, ब्राह्मण से क्या पूछेगा, आप लोग लोकाचार और वैदिक धर्मों को जानने वाले हैं, अतः आप हमारे उन कर्मों का जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही है प्रायश्चित बताइए। राजा की इस प्रश्न को सुन वेद प्रायण ब्राह्मण उत्तर देंगे कि राजन, जैसे बने वैसे बिम्भंडक मुनि के पुत्र ऋषय श्रृंग को यहाँ ले आइए। किसको, ऋषय श्रृंग को लाइए, अगर वो आ जाएंगे आपके राज्य में, चरण रख दिए, पैर से टच कर दिए आपके राज्य की धरती को, तो तुरंत वर्षा हो जाएगी। क्यों, इतने लोग चरण रख रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, प्योर हैं, प्योर ब्रह्मचारी। फिर ब्रह्मचारी की शक्ति के बारे में बताया जा रहा है यहाँ है ना, और उनको यहाँ लाकर उनका सत्कार कीजिए और यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या संता का विवाह कर दीजिए। उनकी इस कथन को सुन राजा को यह चिंता हो गई कि वे जितेंद्रिय मुनि ऋषि श्रृंग किस उपाय से यहाँ लाए जा सकते हैं। भाई वो तो वन में रहते हैं, पिताजी के स्ट्रिक्ट निगरानी में, पिताजी श्राप दे देंगे है ना, विभंडक ऋषि बड़े स्ट्रिक्ट थे और श्राप दे देंगे कोई भी आता था तो है ना, तो बड़े चिंतित हो गए कैसे लेकर आएंगे उनको। आपने उपाय तो बताया लेकिन बड़ा कठिन बता दिया है। तो बहुत सोच विचार के बाद राजा अपने पुरोहित और मंत्रियों को मुनि के पास जाने को कहे, बोले आप लोग जाइए, आप लोग लेके आइए उनको। किंतु वे विनीत लोग मुनि के श्राप के डर से भयभीत हो राजा से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को स्वयं वहां जाने से ऋषि के श्राप का डर लगता है, हम लोग नहीं जाएंगे, उपाय बता दिए, काम आपका है, हम मरने वाले नहीं है, श्राप दे देंगे तो। परंतु हाँ, ऋषियों ने बताया, एक उपाय बता रहे हैं हम लोग, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि को यहाँ ले आएंगे जिससे हमको दोष नहीं लगेगा, हम नहीं जाएंगे लेकिन किसी और को भेज के कोई और उपाय लगा के लेके आएंगे। राजा बोले क्या उपाय है, बोले राजा वेश्याओं द्वारा ऋषि पुत्र को बुलाएंगे। किसके द्वारा, वेश्याओं को भेजकर, और उनके ध्यान आने पर वर्षा होगी और राजा अपनी कन्या शांता ऋषि श्रृंग को ब्याह देंगे। वे ही ऋषि श्रृंग आपको पुत्र देंगे, यह बात मुझसे सनत कुमार जी ने पहले ही कह रखी है ना, आप सुन रहे, पहले से ही सब सेट रहता है, और वही मैंने आपसे कही है कि वही ऋषि श्रृंग जब शांता से विवाह हो जाने के बाद वही आएंगे आपके अयोध्या और आकर यज्ञ करेंगे, फिर उससे पुत्र
आपको होगा, ऐसे सनत कुमार जी ने पहले ही मेरे को बता दिया है। यह सुन महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और सुमंद्र से बोले कि जिस प्रकार रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को बुलाया वह हाल हमसे भेर थोड़ा डिटेल में बताओ, है ना। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ को सुमंत जी ने ये बताया, है ना। इतना कह सुमंत्र महाराज ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, इसके उपरांत देव प्रवर सनत कुमार जी ने जो और कहा वो भी बताता हूँ, सुनो। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, और भी बताया था। बोले महाराज और क्या बताया? बोले कि सनत कुमार जी ने बताया था कि इक्ष्वाकु महाराज के वंश में एक बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ श्रीमान महाराज दशरथ होंगे। महाराज दशरथ को ही बता रहे हैं कौन? सुमंत्र जी, कि सनत कुमार जी ने पहले ही बता दिया था मुझे कि एक महाराज दशरथ होंगे इक्ष्वाकु वंश में। अंगराज के पुत्र रोमपाद के पास महायशस्वी महाराज दशरथ जाएंगे और कहेंगे कि मेरे संतान होने के लिए यज्ञ कराने को आप शांता के पति ऋषि श्रृंग को मेरे यहाँ भेजिए। यह सुन रोमपाद मन में सोच विचार कर शांता के पति ऋषि श्रृंग को पुत्र सहित भेज देंगे। ऋषि श्रृंग को पाने से महाराज दशरथ की चिंता दूर होगी। मन में अत्यंत प्रसन्न हो महाराज दशरथ उन ऋषि प्रवर को साथ लेकर आएंगे और यज्ञ करने की अभिलाषा रखने वाले महाराज दशरथ हाथ जोड़कर धर्मात्मा ऋषि श्रृंग को यज्ञ कराने के लिए वरण करेंगे, अर्थात पुत्र के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए उनको यज्ञ में अपना ऋत्विज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऋत्विज। ऋत्विज एक होना चाहिए ना, हेड प्रेस्ट है कि नहीं। इस यज्ञ के प्रभाव से सनत कुमार जी ने बताया था कि इस यज्ञ के प्रभाव से महाराज दशरथ के अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होंगे। पहले ही बता दिया है ना। वे पुत्र वंश बढ़ाने वाले और सारे संसार में विख्यात होंगे। इस प्रकार सनत कुमार जी ने यह कथा बहुत पहले इस चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में कही थी। अतः हे नरसार्दुल, आप स्वयं फौज और सवारियों सहित जाकर उन ऋषि श्रृंग को आदरपूर्वक बुला लाइए। महाराज दशरथ ने सुमंत्र की कही यह कथा अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर कह सुनाई। डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सीखना चाहिए ना। ठीक है, सुमंत्र ने बताया है लेकिन काउंसलर से जरूर पूछेंगे, है ना। बहुत अच्छा भी बात बताया, इसमें क्या पूछना है। लेकिन जब सनत कुमार जी ने बता दिया तो क्या पूछना है। बट फिर भी है ना, एटिकेट इज एटिकेट, है ना। तो वशिष्ठ जी को बताए, वशिष्ठ जी को, है ना। जब वशिष्ठ जी ने भी अपनी अनुमति दे दी तब महाराज दशरथ बड़ी लालसा के साथ अपनी रानियों और मंत्रियों को अपने साथ लेकर वहां गए जहां ऋषि श्रृंग रहते थे। अनेक वनों और नदियों को पार कर महाराज धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां वे मुनि प्रवर निवास करते थे। वहां जाकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि श्रृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। रोमपाद ने मित्र धर्म से प्रेरित हो अत्यंत प्रसन्नता के साथ न्याय अनुकूल महाराज दशरथ का विशेष आदर सत्कार किया। उन बुद्धिमान ऋषि श्रृंग दशरथ के साथ अपनी मैत्री होने का वृतांत कहा। ऋषि श्रृंग को सुनाया। ऋषि श्रृंग पूछे कि कौन है ये, स्वागत किए, सत्कार किए, गले लगाए, कौन कौन है? तो उनको डिटेल में बताया कि मेरे फ्रेंड हैं, महाराज दशरथ मेरे फ्रेंड हैं। प्राचीन सारी कथा सुनाई कैसे हमारी फ्रेंडशिप थी और दशरथ की प्रशंसा की। इस प्रकार सत्कार के साथ दशरथ वहाँ 7-8 दिन तक रहकर रोमपाद जी से बोले।
तो महाराज दशरथ जब वहाँ गए तो कितने दिन रहे? 7-8 दिन वहाँ रुके, यानी कि गया के आ गए उसी दिन, लेके आ गए नहीं, 7-8 दिन रहे, आराम से वहाँ रहे रुके। हे राजन, अब रोमपाद जी से बोलते हैं महाराज दशरथ, हैं तुरंत जाके नहीं बताया कि हम लेके जाना है, 7-8 दिन रह लिए, उसके बाद एक दिन बैठ के फिर जिस पर्पज़ के लिए आए थे वो बताए। राजा थे फिर भी देखिए इतने बिजी नहीं थे। हे राजन, यदि आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी राजधानी में चले तो बड़ी कृपा हो, क्योंकि एक बड़ा कार्य आ उपस्थित हुआ है। यह सुन रोमपाद ने कहा, ऐसा ही होगा। महाराज दशरथ से कह, ऋषि सिंह से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज दशरथ के पास जाइए, उनके राज्य अयोध्या। ऋषि सिंह जाने को राजी हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी सहित महाराज दशरथ के साथ हो लिए। तब ये दोनों राजा परस्पर हाथ जोड़ और एक दूसरे को गले लगा अत्यंत प्रसन्न हुए। तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा हो प्रस्थानित हुए और पहले ही शीघ्रगामी दूत अयोध्या भेजे। खुद तो पीछे धीरे धीरे आए, लेकिन एक शीघ्रगामी दूत को एडवांस में भेज दिया अयोध्या। किस लिए? हाँ, ऋषि सिंह आ रहे हैं तो स्वागत होना चाहिए ना, आप समझे बात को? लाइक दैट। और उनको आज्ञा दी कि तुम वहाँ पहुँचकर राजधानी की सफाई और अच्छी सजावट करवाओ, सड़कें छिड़काना, सुगंधित द्रव्य जलवाना और ध्वजा पताकाओं से नगरी को सजा दो। महाराज दशरथ के लौटने का संवाद पा अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए और जैसा महाराज ने दूतों द्वारा कहलाया था उसी के अनुसार नगरी को साफ कर उन लोगों ने सजाया। उस सजी सब सजाई साफ स्वच्छ नगरी में मुनियों को आगे कर गाजे बाजे के साथ महाराज ने प्रवेश किया। ऋषि सिंह का धूमधाम से नगर में इंद्र समान पराक्रमी महाराज दशरथ द्वारा आगत स्वागत हुआ देख समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। जब आए ऋषि सिंह तो उनका बहुत स्वागत किया महाराज दशरथ ने। अंतःपुर में ऋषि सिंह के जाने पर वहाँ भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया गया और महाराजा ने मुनि प्रवर के आगमन से अपने को कृतकृत्य माना। ऋषि प्रवर के साथ उनकी पत्नी बड़े बड़े नेत्र वाली शांता को आई देख अंतःपुर वासिनी सब रानियों ने बड़ा आनंद मनाया। रानियों और विशेषकर महाराज दशरथ द्वारा पूजी जाकर शांता अपने पति ऋषि सिंह सहित रनिवास में कुछ दिनों तक सुख से रहे। इस प्रकार से 11 सर्ग समाप्त हुआ। अब 12वां सर्ग सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर जब मनोहर बसंत ऋतु आई तब महाराज की इच्छा यज्ञ करने की हुई। महाराज दशरथ ने बसंत ऋतु आई तो यज्ञ करने की इच्छा हुई। महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के पास जा उनको प्रणाम किया और वंश वृद्धि के लिए होने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ में देवतुल्य ऋषि को यज्ञ के लिए वरण किया। तब ऋषि श्रृंग ने दशरथ से कहा, हम आपका यज्ञ करवाएंगे, आप यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करवाइए और घोड़ा छुड़वाइए। यह सुन महाराज दशरथ ने मंत्री प्रवर सुमंत से कहा कि आप वेद पाठ करने वाले ऋतुजों को तुरंत बुलाइए। सुयज्ञ वामदेव जबाली काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य ब्राह्मण श्रेष्ठों को शीघ्र बुलवाइए। फुर्तीले सुमंत्र तुरंत गए और वेद पारग उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला लाए। तब धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन सबकी पूजा कर उनसे धर्म और अर्थ से युक्त मीठे वचन कहे। पुत्र के लिए बहुत दुखी होने पर भी, मुझे संतान का सुख नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूँ। यह यज्ञ मैं शास्त्र की विधि से करना चाहता हूँ,
मुझे विश्वास है कि ऋषि श्रृंग की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तो पुरोहित चेंज हो गए ना, पहले वशिष्ठ जी, लेकिन अभी ऋषि श्रृंग। उसके लिए वशिष्ठ जी से पूछा था, वशिष्ठ जी को कोई दिक्कत नहीं था, है ना, ऐसा होना चाहिए, है ना। यह सुनकर वशिष्ठ प्रमुख ब्राह्मणों ने महाराज के मुखारविंद से निकली हुई वाणी की बड़ी प्रशंसा की, है ना। जब बताया कि हमने ऋषि श्रृंग को पुरोहित चुना है और मुझे पूरा विश्वास है ना कि उनके मार्गदर्शन में जब यज्ञ होगा तो हमारे मनोरथ पूर्ण होगा, तो वशिष्ठ जी बहुत प्रशंसा की है ना। कितना बड़ा हृदय होगा है, सोचना चाहिए। बड़े प्रशंसा किए महाराज दशरथ की, आप बहुत सही बोले आप। ऋषि श्रृंग आदि ब्राह्मण दशरथ से कहने लगे कि आप यज्ञ करने के लिए सब सामान एकत्र करवाइए और यज्ञ का घोड़ा छोड़िए। जब आपकी बुद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसी धर्ममय हो रही है तब निश्चय ही आपके अमित पराक्रम में 4 पुत्र होंगे। ब्राह्मणों की कही इन बातों को सुन महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और मंत्रियों को यह शुभ आज्ञा सहर्ष प्रदान की। जैसा कि इन गुरुवर ने आज्ञा दी है उसी के अनुसार आप लोग यज्ञ की सब तैयारी करें, हैं मंत्रियों को ऐसा बोला कि जैसे जैसे गुरुजन बता रहे हैं वैसे व्यवस्था सेटअप कीजिए सारा, और 4 ऋतिजों और 400 रक्षकों की देख रेख में घोड़ा छोड़ा जाए। घोड़ा जाएगा, घोड़े के साथ कितने रहेंगे, 4 ऋतविज रहेंगे और 400 सिपाही, हैं 400 सिपाही। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञशाला बनवाई जाए और विघ्न प्रशमन के लिए शास्त्र के द्वारा अनुमोदित यथाक्रम शांति कर्म करवाए जाएं। यह यज्ञ कर तो सभी राजा सकते हैं किंतु इस उत्कृष्ट यज्ञ कार्य में किसी प्रकार का उपचार या किसी को कष्ट न होना चाहिए। दोबारा वही चीज बोल रहे हैं ना, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, हैं। देखिए इसका इम्पोर्टेंस है, रिपीटेशन का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ कार्य में शीघ्र अन्वेषण किया करते हैं और यज्ञ की विधि में उपचार होने से यज्ञ करने वाला तुरंत नाश को प्राप्त होता है अर्थात मर जाता है। सेम चीज़ दोबारा आ रहा है, आप देख रहे हैं, काफ़ी कंसर्न है महाराज दशरथ। अतः अपनी भक्त शक्ति भर ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक सुसंपन्न हो। महाराज के वचन सुन मंत्री लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनके आज्ञा के अनुसार कार्य करने में प्रवृत्त हुए। तदनंतर ये ब्राह्मण धर्मात्मा नृपति श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा कर और विदा हो वहाँ से अपने अपने घर को चले गए। ब्राह्मणों के चले जाने पर महाद्युतिमान महाराज ने मंत्रियों को विदा किया और आप भी अंतःपुर में चले गए। 12वां सर्ग समाप्त इस प्रकार से। 13वां सर्ग। एक वर्ष बाद पुनः वसंत ऋतु आई। एक साल बीत गया, आप समझे बात को, क्योंकि एक साल तैयारी में लगेगा ना, बड़ा यज्ञ है, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करना है तो एक साल लगेगा। तो एक साल तक इसका मतलब ऋषि श्रृंग वहीं पे रहे हैं अयोध्या में, समझ रहे, सब डिटेल है। हाँ यज्ञ है युगधर्म। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतापी महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा की। एक साल बाद फिर जब बसंत ऋतु आया तब तक सारी व्यवस्था व्यवस्था सब सारा, जैसे उमंग उद्गार फेस्टिवल होता है कि, तो उसके लिए कम से कम एक साल टाइम चाहिए, है ना। तो उसी तरह से बड़ा यज्ञ है ना, तो यू नीड टाइम। किसको आपको इन्विटेशन देना पड़ेगा और एक महीने पहले सब व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। चीफ गेस्ट को एक महीने पहले सेट करना पड़ता है, 6 महीने पहले कौन आएगा, वो डेट देगा, उसके बाद होगा ना। उसी तरह से एक साल पहले से फिक्स हुआ है ना, किस दिन यज्ञ होगा सारा क्या। एक वर्ष बाद पुनः बसंत ऋतु आने पर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतापी महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा की। वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और उनका यज्ञ विधि पूजन कर पुत्र प्राप्ति के लिए नम्रतापूर्वक उनसे महाराज दशरथ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रसन्नतापूर्वक और विधिपूर्वक यज्ञ आरंभ कीजिए जिससे यज्ञ के किसी भी कर्म में विघ्न ना हो, क्योंकि आपका मेरे ऊपर
अविच्छिन्न स्नेह है और आप मेरे केवल हितैषी नहीं प्रतितु मेरे सबसे बड़े गुरु भी हैं। इस उपस्थित यज्ञ का जो बड़ा भारी बोझ है उसे आप संभालिए। महाराज दशरथ बोले वशिष्ठ जी को कि आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बहुत बड़ा भोज है, मेरे से नहीं हो पाएगा अकेले, अर्थात इस महान यज्ञ का सारा भार आपके ही ऊपर है। यह सुन मुनि पुंग वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, लैपटॉप क्यों बंद हो गया? तो उस पर तो चल नहीं रहा होगा काफी देर से, किसी ने मैसेज नहीं लगता, कोई सुन नहीं रहा है। हैं? जूम पे कोई नहीं सुन रहा है। किसी ने मैसेज नहीं किया, बंद हो गया तो। सब क्योंकि आपका मेरे ऊपर अविच्छिन्न स्नेह है और आप मेरे केवल हितैषी नहीं प्रतीत मेरे सबसे बड़े गुरु भी हैं, इसलिए उपस्थित यज्ञ का जो बड़ा भारी बोझ है उसे आप संभालिए, अर्थात इस महान यज्ञ का सारा भार आपके ही ऊपर है। यह सुन मुनिपुंग वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, आप जो निवेदन किया उसी के अनुसार ही हम सब कार्य करेंगे। उसके बाद वशिष्ठ जी ने वृद्ध और यज्ञ कार्य में कुशल ब्राह्मणों को परम धार्मिक और वृद्ध स्थापत्य विद्या भवन निर्माण कला में कुशल कारीगरों को, शिल्पियों को अथवा लेखकों को, नटों और नाचने वालियों को, बहुत जानने वाले और सच्चे ईमानदार शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर मीटिंग किया। किसको किसको बुला रहे हैं देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग है ये। और कहा कि आप लोगों के लिए महाराज की आज्ञा है कि यज्ञ कार्य में मनोयोग पूर्वक आप लग जाएं, बहुत सी ईंटें सीख एकत्र कर लीजिए, आने वाले मेहमान राजाओं के ठहरने के लिए गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट तथा अन्य संभ्रांत लोगों के ठहरने के लिए सब तरह के सुपास के आराम के अलग अलग घर बनाकर तैयार करो। इसी प्रकार सैकड़ों सुंदर मकान अच्छी अच्छी जगहों पर ब्राह्मणों को ठहरने के लिए बनाओ, जिनमें भोजन आदि की सब आवश्यक सामग्री रहे। नगर निवासियों के ठहरने के लिए भी बड़े बड़े लंबे चौड़े मकान बनाए जाएं, जिनमें भोजन और सब प्रकार की सामग्री लाकर यथास्थान सजा दी जाए। देहातियों के लिए भी सब सुविधाओं को मकान बने। एक बात का ध्यान रखना कि जिसको अन्नादि भोजन सामग्री दी जाए उसे सत्कार पूर्वक दी जाए, देते समय किसी का भी अनादर न किया जाए। है ना, देहात के लोगों के लिए बोले, नगर के निवासी के लिए भी बोले, देहात से जो लोग आएंगे गांव से उनके लिए भी रहने के मकान बनाओ, है ना। और लास्ट में बोले कि एक बात का ध्यान रखना कि सबको अच्छे से प्रसाद खिलाना और खिलाते समय ध्यान रखना किसी का अनादर ना हो, है ना, क्योंकि यज्ञ में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ऐसा प्रबंध हो कि किसी वर्ण का भी मनुष्य जो यज्ञ में आवे उसके वर्ण के अनुरूप उसका यथोचित सत्कार किया जाए। लोभ अथवा क्रोध के वशवर्ती हो खबरदार किसी का भी अनादर न किया जाए, किसी का अनादर मत कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। किसी भी यज्ञ में कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे रथ यात्रा हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यज्ञशाला के काम में जो कारीगर काम करें उनकी भी विशेष रूप से यथाक्रम खातिरदारी की जाए, है ना। किसको? कारीगर जो लेबर्स काम करेंगे उनका भी खातिरदारी अच्छे से होना चाहिए, नहीं कि बेचारों को शोषण हो रहा है ना। सच सच सेंसिटिव चीज़ बता रहे हैं वशिष्ठ जी। सेवा कार्य में निरत नौकरों को उनकी मजदूरी और भोजन दिया जाए, जिससे वे मन लगाकर अपना काम करें
और अपना काम ना छोड़ बैठे तो इतना डिटेल में प्लानिंग समझा रहे हैं, है ना गुरु वशिष्ठ जी, कि कारीगर जो लगेंगे मजदूर उनको पूरा प्रसाद मिलना चाहिए, टाइम से खाना और उनका पेमेंट मिलना चाहिए। आप सब लोग मन लगाकर प्रीतिपूर्वक उनके साथ हैं, उनके साथ वार्ता करें, प्रेम से बात करना चाहिए उनसे, नहीं जिससे सब काम ठीक ठाक हो। यह सुन वे सब वशिष्ठ जी के समीप जाओ, उनसे बोले आपने जैसी आज्ञा दी है उसी के अनुसार ही हम सब करेंगे, किसी काम में त्रुटि न रहने पाएगी, आप चिंता मत कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलवाया और उनसे बोले इस पृथ्वी मंडल पर जितने धार्मिक राजा हैं उनके पास निमंत्रण भेजिए, सब देशों के बहुत से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को भी सादर बुलवाइए, शूद्रों को भी बुलवाना है इन्विटेशन है? सत्य पराक्रमी सूर शिरोमणि वेद और सब शास्त्रों में निष्णात महाभाग मिथिलाधिपति को स्वयं जाकर आदर सहित लिवा लाओ। मिथिलाधिपति मतलब महाराज जनक को, जनक भी आए थे है ना, उनको इस घराने का पुराना व्यवहारी जान, उन्हें सबसे पहले बुलाने के लिए हम तुमसे कहते हैं। सबसे पहले जनक जी को बुलाना है, फर्स्ट इनविटेशन जाना चाहिए उनके पास, है ना, पहले से ही रिलेशन था, है ना, इसे पता चलता है। सदैव प्रिय बोलने वाले सदाचारी देवतुल्य काशी नरेश को भी सत्कार पूर्वक लिवा लो, मिथिला नरेश और काशी नरेश है। इसी प्रकार वृद्ध और परम धार्मिक कैके राज जो महाराज के ससुर हैं पुत्र सहित वह यहाँ लिवा लो। कैके राज, कैके प्रदेश कौन सा है, किस इंडिया में कौन सा पार्ट, कैके नहीं पता। अंग देश अधिपति यशस्वी महाभाग रोमपाद को जो महाराज के मित्र हैं सत्कार पूर्वक लिवा लाओ। शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त पूर्व देश के सिंधु देश के सौवीर के दक्षिण देश के राजाओं तथा पृथ्वी मंडल के अन्य अच्छे राजाओं को भाई बंधु नौकर चाकर सहित दूत भेजकर शीघ्र बुलवा लो। तब वशिष्ठ जी के इस कथन को सुन सुमंत्र ने तुरंत देश देश के राजाओं को बुलाने के लिए दूत भेजे और स्वयं भी वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजाओं को लाने के लिए रवाना हुए। सुमंत्र वशिष्ठ जी के बतलाए विशिष्ट राजाओं को बुलाने के लिए शीघ्रता से रवाना हो गए। यज्ञ कार्य में लगे हुए मनुष्य बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ जी से जो कुछ यज्ञ संबंधी काम करते वह सब कह दिया करते थे, रिपोर्ट देते थे कि आज इतना काम हो गया, आज इतना काम हो गया, आज इतना काम हो गया, आज ये हो गया। वशिष्ठ जी रोज रोज डेली रिपोर्ट लेते थे, प्रोग्रेस रिपोर्ट, इससे पता चल रहा है ना। तब प्रसन्न हो वशिष्ठ जी उन सबसे कहते देखना किसी की हंसी दिल लगी में भी कोई वस्तु अनादर करके मत देना, क्योंकि अनादर करके देने वाला दाता का निश्चय ही नाश होता है। बोले मजाक उजाक में भी कोई किसी का अनादर मत करना, ये बार बार बोल रहे हैं इस बात को। आप समझ रहे बात को, किसी चीज को बार बार रिपीट हो रहा है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है वो। ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, इसलिए जब तक मैच्योर नहीं हो व्यक्ति यज्ञ नहीं करना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, टीम होना चाहिए आपके पास, है ना। तब वशिष्ठ जी नहीं तो बोल रहे हैं नाश हो जाता है ना, ऐसे बोल रहे हैं, अगर इसका ध्यान नहीं रखा कोई अनादर हो गया तो नाश हो जाएगी यज्ञकर्ता का। इसके कुछ ही दिनों बाद अनेक प्रकार के रत्नों की भेंटें ले लेकर राजा लोग महाराज दशरथ की यज्ञशाला में आ पहुँचे। तब वशिष्ठ जी राजाओं को आए हुए देख प्रसन्न हो महाराज दशरथ से बोले आपके आदेश के अनुसार सब राजा लोग आ गए हैं। हे महाराज, मैंने भी उनका यथोचित सत्कार कर दिया और यज्ञ की भी सारी तैयारी हो चुकी है। अब आप भी यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में पधारिए और यज्ञ की सब सामग्री को देखिए कि सेवकों ने कैसी उत्तम और सावधानी से सब सामान सजा कर रखा है।
तब वशिष्ठ जी और ऋषि श्रृंग दोनों से कह दोनों के कहने से शुभ दिन और नक्षत्र में महाराज दशरथ यज्ञशाला में गए। लास्ट में खुद जाके सुपरविजन करेंगे। सब रेडी हो गया तो ऋषि सिंह और महाराज दशरथ दोनों और वशिष्ठ जी दोनों ने कहा महाराज से कि आप आगे एक बार फाइनल देखिए, है ना। तब वशिष्ठ प्रमुख सब ब्राह्मणों ने ऋषि सिंह को अपना नेता बना, सब ने नेता चुन लिया। किसको? वशिष्ठ जी ने भी बता रहे, वशिष्ठ जी ने भी उनको अपना नेता बनाया है। ईर्ष्या नहीं है ना। यज्ञशाला में यज्ञ कार्य यथाविधि आरंभ किया और महाराज ने रानियों सहित यज्ञ दीक्षा ली। इस प्रकार से बाल कांड का 13वां सर्ग पूरा हुआ। तो 500 सर्ग में कितना तरह सर्ग हमने कर दिया? 13 सर्ग। कितना परसेंट? 2%, है ना। 2.6% एक ही दिन में कर दिया हमने। इस रेट से काफ़ी फास्ट जा रहे हैं हम। 39 days। तब 14वां सर्ग सुनिए। एक वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूम कर आ गया, अब एक वर्ष तो लगे और एक वर्ष तब तक घोड़ा घूम के आया है ना। इधर पैरेलल प्लानिंग चल रही, उधर घोड़ा घूम रहा है ना। आप समझे बात को? उधर घोड़ा तो छोड़ दिया गया था एक वर्ष पहले ही, है ना। अब एक वर्ष हो गया तो उधर से घोड़ा वापस घूमकर आ गया, किसी ने पकड़ा नहीं उसको, है ना। तब महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ सरयू के उत्तर तट पर होना शुरू हो गया। ऋषि श्रृंग प्रमुख ब्राह्मण श्रेष्ठों ने महाराज दशरथ से अश्वमेध यज्ञ करवाया। वेद जानने वाले तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण कल्प सूत्रों में कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सब कार्य करवाते थे। इसलिए ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चों को यज्ञ करवाने की भी, गौरांग शिक्षा मंदिर में। प्रवर्ग्य और उपसद यज्ञीय कर्म विशेष दोनों कर्म शास्त्र अनुसार विधिवत करके बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्त कर्मों में पूज्य देवताओं की पूजा ब्राह्मणों ने की और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुनियों ने प्रातः सवन यज्ञीय विधि विशेष करके विधिपूर्वक इंद्र का भाग दिया और पाप दूर करने वाली सोमलता का रस निकालकर मध्याह्न सवन किया। ये यज्ञ की विधियां हैं, यज्ञ किया जा रहा है ना, एक शुरू हो गया। फिर महाराज और ब्राह्मणों ने शास्त्र के अनुसार यथाविधि तीसरा सायं सवन किया। इस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाई। पूर्ण ज्ञानी यज्ञ करवाने वालों की उपस्थिति के कारण कोई आहुति भूल से अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई। जो कुछ कर्म किया गया वह कल्याणकारक ही किया गया, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना। बहुत यज्ञ काल में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं रहा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न तो वहाँ कोई ऐसा ही ब्राह्मण देख पड़ता जो मूर्ख हो और न वहाँ कोई ऐसा ही ब्राह्मण था जिसके पास सैकड़ों शिष्य न थे। यही नहीं, वहाँ केवल ब्राह्मणों ही को भोजन दिया जाता था, ऐसा नहीं है। प्रतीत शूद्र नौकर चाकर को ही भोजन मिलता था। इनके अतिरिक्त तपस्वी सन्यासी भी भोजन पाते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बालक बार बार भोजन करते थे तो भी भोजन कराने वाले अघाते नहीं थे, कभी थकते नहीं थे, है ना। यज्ञ ऐसे नहीं होता है, भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान है? हाँ, चलते रहना चाहिए। महाराज की आज्ञा से भंडारी लोग अन्न और वस्त्र का दान बड़ी उदारता से जी खोल कर करते थे। कच्चे पक्के अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊंचे लगे रहते थे। कच्चा अन्न और पका अन्न दोनों का ढेर कैसा था? पहाड़ जैसा। जो जैसा मांगता था उसे नित्य वैसा ही भोजन दिया जाता था, है ना। हम लोग 1.5 लाख बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं अभी? ये भी यज्ञ है, कोरोना यज्ञ।
अनेक देशों से आए हुए स्त्री पुरुषों के झुंड नित्य भोजन से तृप्त होते थे। स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है भोजन के ऊपर ही चर्चा हो रहा है। मतलब यज्ञ में भोजन बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसे पता चलता है। स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त हुए ब्राह्मणों के आशीर्वाद सूचक शब्द महाराज के चारों ओर से सुनाई पड़ते थे। तो ब्राह्मण को भोजन अच्छा होना चाहिए, इससे पता चलता है ना, तो उससे नेचुरल आशीर्वाद निकलता है। वस्त्रों और गहनों से सजे हुए अन्य राजाओं के नौकर चाकर ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करते और इन उन लोगों की परिचर्या के लिए मणि जटित कुंडलधारी अन्य लोग थे। एक सवन समाप्त होने पर और दूसरा सवन आरंभ होने के बीच जो समय बचता उसमें एक दूसरे की पांडित्य में हरा देने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण आपस में शास्त्रार्थ करते थे। मतलब दो सवन के बीच में जो गैप मिलता था तो उसमें आराम से सोते नहीं थे, डिबेट चलता था, है ना, और इस भावना से कि कौन ज़्यादा जानता है और डिफीट करना है ना? उस यज्ञ में कुशल ब्राह्मण शास्त्र अनुकूल नित्य प्रति यज्ञ कर्म करते कराते थे। इस यज्ञ में ऐसा ब्राह्मण कोई नहीं था जो वेद और वेदांगवित ना हो, और महाराज का कोई ऐसा सदस्य न था जो व्रतधारी ना हो, अथवा बहुश्रुत ना हो, अथवा बोलचाल में कुशल ना हो। उस यज्ञ में लकड़ी के अंकवार भर मोटे 21 खंभे गाड़े गए थे, है ना, इतने मोटे मोटे कितने खंभे थे लकड़ी के, 21 खंभे। इनमें से 6 बेल के खंभे थे, है ना, 6 खैर के, 6 ढाक के, 1 लिसोड़े का और 2 देवदार के। तो 6 6 12 6 18, 1 लिसोड़े का 19 और 2 देवदार के 21। यज्ञ कर्म में चतुर शास्त्रियों ने यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिए इन खंभों को सोने के पत्रों से मढ़वा दिया था। उन खंभों को सोने के प्लेट से मढ़वाया गया। कैसे यज्ञ की व्यवस्था की जाती है वो डिटेल में बता रहे हैं। 21 खंभे 21 21 अरणी 21 21 अरती मुट्ठी 21 21 मुट्ठी ऊंचे थे। कितनी ऊंचाई थी, 21 मुट्ठी, है ना, हाथ की बंधी हुई मुट्ठी, ये 21 मुट्ठी, ये एक होगा ना, ये एक इसे 21 जोड़ दीजिए, हाँ ऐसे 21, है ना, और सब कपड़ों से सजाए गए थे। यथाविधि शिल्पियों ने बना इनको बड़ी मजबूती से पृथ्वी में गाड़ा था जिससे हिले नहीं, और ये खंभे बड़े चिकने और अठ पहलू बनाए गए थे। कैसे बनाए, अठ पहलू, अठ पहलू मतलब ऑक्टागोनल, हाँ ऑक्टागोनल, है ना, और चिकने थे मतलब खुदरे नहीं, बोल अच्छे से पॉलिश करके एकदम, है ना। कितने डिटेल में बता रहे हैं ना वाल्मीकि। इन खामों पर वस्त्र लपेटे गए थे और ये पुष्प, पहले तो उसके सोना का प्लेट था, उसके ऊपर भी वस्त्र थे, सोची, और ये पुष्प और चंदन से सजाए गए थे। उस समय इनकी शोभा आकाश मंडल में सप्त ऋषियों की तरह देख पड़ती थी। जितनी बड़ी और जितनी अपेक्षित थी उतनी ईंटें तैयार होने पर शिल्प निपुण ब्राह्मण ने उन ईंटों से अग्नि कुंड बनाया। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चतुर ब्राह्मण ने सुवर्ण की ईंटों से पंख बना 18 प्रस्तर का एक गरुड़ बनाया। सोने की ईंटों से पंख बनाकर 18 प्रस्तर का एक गरुड़ जी होने चाहिए वहाँ, है ना, गरुड़ जी की स्थापना। जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है उसी के अनुसार जिस देवता के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। यथाविधि सर्प और पक्षी भी यज्ञशाला में लाए गए। ऋतिजों ने घोड़े और जलचर जंतु कच्छप आदि शास्त्र रीति के से यथास्थान बांधे लाकर, कछुए को भी, घोड़ा कछुआ सब। उन खंभों में 300 पशु, कितने, 300 पशु, खंभे किस लिए गाड़े गए थे, पशु को बांधने के लिए। उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की
और प्रसन्न हो, तीन तलवारें तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। कितने? तीन तलवार से। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस मृत अश्व की रक्षा करने को एक रात स्व स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रही, है ना। एक रात उसकी रक्षा करनी पड़ती है ना, ऐसा बता रहे हैं, है ना। फिर होता अध्वर्यु और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को परिवृत्ति को तथा बाबाता को अश्व के साथ नियोजित किया। जितेंद्रीय ऋतुजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। महाराज दशरथ होम काल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्र की विधि के अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। 16 ऋतुज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधिवत अग्नि में हवन करने लगे। इसलिए अश्वमेध यज्ञ मना है कलयुग में, है ना। अश्वमेध यज्ञ कलयुग में मना कर दिया गया है। 5 चीज़ें मना है, उसमें क्या है, क्योंकि पशु हत्या नहीं करना है। उस समय कल्चर अलग था, उस समय स्थिति थी, उसको नया जीवन मिलता था घोड़े को काटा जाता था। तो जिस घोड़े को काटते थे तो वो घोड़े को नया शरीर मिलता था, है ना। मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, या तो मिनिमम घोड़े का तो मिलता ही था, लेकिन आजकल उतने पावरफुल ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कलयुग में मना कर दिया गया अश्वमेध यज्ञ। अन्य यज्ञों में पाकड़ की लकड़ी से हवि की आहुति दी जाती है, किंतु अकेले अश्वमेध में ही में यह काम बेत की लकड़ी से किया जाता है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण भाग ने अश्वमेध यज्ञ में 3 दिन सवन किया कर क्रिया करने के बतलाए हैं। उसमें प्रथम दिन अग्निहोम दिन है, दूसरा उकत, तीसरा अतिरात्रि। सो ये भी शास्त्र विधि के अनुसार तथा अन्य बहुत से विधान किए गए। ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्रि, अभिजीत, विश्वजीत, आप्तोर्याम महायज्ञ किए गए। स्वकुल वृद्धिकारक महाराज दशरथ ने इस महायज्ञ की यथाविधि समाप्ति पर पूर्व दिशा का राज्य होता को, पश्चिम का अध्वर्यु को, दक्षिण दिशा का राज्य ब्रह्मा को और उत्तर दिशा का उद्गाता को यज्ञ की दक्षिणा में दे दिया। अपने राज्य को, 4 दिशाओं को, 4 ऋषियों को दान दे दिया। स्वयंभू मनु ने जिस प्रकार अपने महायज्ञ में पूर्व काल में दक्षिणा दी थी, उसी प्रकार दशरथ ने दी। तब यज्ञ को शास्त्र अनुसार विधिवत समाप्त कर पूर्व श्रेष्ठ महाराज ने ऋतुजों को पृथ्वी दान कर दी। जब दशरथ ने अपने राज्य की सारी भूमि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दे दी, तब सब ब्राह्मण निष्पाप महाराज दशरथ से बोले, मतलब राजा दशरथ ने अपनी सारी भूमि जितनी थी राज्य की सब दान दे दिया ब्राह्मणों को। बोला आप दक्षिण का सारा, आपका उत्तर का सारा, तो अपने पास क्या बचा, चारों दिशा दे दिए हैं। जब ब्राह्मणों को दे दिए तो ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं सुनिए। हे नरनाथ, इस भूमि की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। दे तो दिया लेकिन रक्षा तो आप ही करेंगे ना, हम लड़ने वाले थोड़े हैं। टेंशन है कि नहीं, भूमि आ जाए तो टेंशन है ना। तो हमें भूमि की आवश्यकता है और ना हम इसका पालन ही करने में समर्थ हैं, क्योंकि हम लोग वेद पाठ में लगे रहते हैं, अर्थात हमें जमींदारी या राज्य के झंझट में पड़ने की फुर्सत कहाँ है। अतः आप तो हमें इस भूमि दान के बदले मणि, रत्न, सुवर्ण, गौएं, जो आप देना चाहें दे दे, इस भूमि, ये भूमि हम लेकर क्या करेंगे। वेद पारण ब्राह्मणों के वचन सुनकर महाराज ने 1,00,000 गौएं, 10 करोड़ सोने की मोहरें, 40 करोड़ चांदी के रूपे सब ऋतुजों को दिए। उन सब ने दक्षिणा में मिली हुई ये सब चीज़ें बांटने के लिए वशिष्ठ जी और ऋषि सिंह जी के सामने रख दी। उन्होंने न्याय के अनुसार हिस्सा कर सबको वह धन बांट दिया। वे अपना अपना हिस्सा बांट यह पाकर प्रसन्न हो बोले, हम बहुत प्रसन्न हैं। फिर महाराज ने उन लोगों को जो यज्ञ देखने आए थे मोहरे बांटी और जांबू नद के सोने की कई करोड़ों मोहरे अन्य ब्राह्मणों को दी। तदनंतर महाराज दशरथ ने एक दरिद्र भिक्षुक को उसके मांगने पर अपना हाथ का गहना उतार कर दे दिया। ब्राह्मणों के प्रसन्न देख महाराज ने अतीव प्रसन्न चित्त से उनको प्रणाम किया। इस पर उदार वीरवर और पृथ्वी पर पसर कर प्रणाम करते हुए महाराज को ब्राह्मणों ने विविध आशीर्वाद दिए।
उदारचित महाराज दशरथ पाप नाश करने वाले स्वर्गप्रद एवं अन्य राजाओं के लिए दुष्कर इस यज्ञ को कर ऋषि श्रृंग से बोले, हे सुव्रत, अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए, है ना। यह सुन और तथास्तु कहकर ऋषि श्रृंग बोले, हे राजन, आपके कुल को बढ़ाने वाले 4 पुत्र होंगे। तब तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया, अब पुत्रष्टि यज्ञ होगा, है ना। अश्वमेध यज्ञ के बाद मेधावी विदंग ऋषि श्रृंग जी कुछ काल तक ध्यान करके महाराज दशरथ से बोले कि हे राजन, मैं तेरे लिए अथर्ववेद में कही हुई पुत्रष्टि यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्धि देने वाला पुत्रष्टि यज्ञ करूँगा जिसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो अथर्ववेद में दिया गया कौन सा पुत्रष्टि यज्ञ जो है वो अथर्ववेद में बताया गया है। पुत्र किसी को नहीं हो रहा है तो पुत्रष्टि यज्ञ कर सकते हैं। यह कह पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर वे आहुति देने लगे। तब तो देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि अपना अपना यज्ञ भाग लेने को आकर जमा हो गए। सारे देवता सब आके अपना अपना इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से विनय किया, हे भगवान, आपकी कृपा से रावण नामक राक्षस हम सबको बहुत सताता है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रसन्न हो उसे पहले वरदान दे दिया है, इसलिए हम सब सहते हैं और कुछ नहीं बोलते। देवता लोग बोल रहे हैं कि आपने वरदान दे दिया, अब हमको सहना पड़ता है उसको। वह तीनों लोगों को सता रहा है और लोकपालों से शत्रुता बांधकर स्वर्ग के राजा इंद्र को भी नीचा दिखाना चाहता है। क्या ऋषि, क्या यक्ष, क्या गंधर्व, क्या देवता, क्या ब्राह्मण, आपके वरदान के प्रभाव से वह दुर्धर्ष किसी को कुछ भी तो नहीं समझता। उसे न तो सूर्य की गर्मी पहुंचा सकते, न वायुदेव ही उसके स्वयं वेग से चल सकते हैं। उसे देखते ही समुद्र भी अपना लहराना बंद करके शांत हो जाता है। उस भयानक राक्षस को देखने से ही हमें बड़ा डर लगता है। देवता लोग बोल रहे हैं उस राक्षस को देखने से हमें बड़ा डर लगता है, अतः हे भगवान, उसके वध के लिए कोई उपाय कीजिए। उन सब देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, मैंने उस दुरात्मा के मारने का उपाय सोच लिया है। रावण के वर मांगने पर हमने उसे गंधर्व, यज्ञ, देवता, दानव और राक्षसों द्वारा अवध होने का वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु उसने मनुष्यों को कुछ भी न समझ वरदान में मनुष्यों का नाम नहीं लिया था, अतः वह सिवाय मनुष्य के और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा जी का यह प्रिय वचन सुन सब देवर्षि, देवता, महर्षि आदि बहुत प्रसन्न हुए। इतने ही में शंख, चक्र, गदा धारण किए। सुनिए क्या कर रहे हैं, बाद में बैठिए, अभी बाद में। इतने ही में बैठो ठीक से। शंख, चक्र, गदा धारण किए और पीताम्बर धारण किए महातेजस्वी जगतपति विष्णु भगवान वहाँ पर आ गए। भगवान आ रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं आप क्लास को, आप कथा में है तो आप सुनिए ध्यान से कि कहाँ कथा चल रही है, कि नहीं। भगवान प्रकट होने वाले, सारा यहाँ पे क्लाइमेक्स आ रहा है और ये बीच में खटर पटर शुरू। इतने ही में शंख, चक्र, गदा धारण किए और पीतांबर धारण किए महातेजस्वी जगतपति विष्णु भगवान वहाँ पर आ गए। हरी बोल, प्यारा है ना। जब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से मिलकर कहाँ पे आए, विष्णु भगवान यज्ञ में नहीं, देवताओं के साथ जब ब्रह्मा जी से बात चल रही थी वहाँ पे, जब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से मिलकर उनके पास बैठे तब देवताओं ने बड़ी विनम्रता के साथ उनकी स्तुति की और बोले,
तम नियोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया राज्ञो दशरथस्य त्वं अयोध्याधिपते प्रभु धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः तस्य भार्या सुतृष्टिषु हि श्रीकीर्तिमुपमासु च विष्णुपुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणं सहि देवान् सगन्धर्वान् सिद्धांश्च मुनिसत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योत्सेकेन बाधते रीपयस्तु ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा। हम लोग आपसे सबकी भलाई के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि आप धर्मात्मा दानी और ऋषि व तेजस्वी अयोध्यापति महाराज दशरथ की ही श्री और कीर्ति के समान तीन रानियों में अपने चार अंशों से पुत्र भाव स्वीकार करें। आप मनुष्य शरीर धारण कर महाअभिमानी लोककंटक उस रावण को जो हम देवताओं से भी अवध्य है युद्ध में परास्त कीजिए, क्योंकि वह मूर्ख राक्षस रावण देवता गंधर्व सिद्ध और मुनियों को अपने बल से बहुत सताता है। क्रीडन्ते नंदन बने कुरेण कील हिंसिता बधार्थ वय मायाता तस्य वै मुनि भी सह। देखिए उस दुष्ट ने इंद्र के नंदनवन नामक उद्यान में क्रीड़ा करते हुए अनेक गंधर्वों तथा अप्सराओं को मार डाला, मर्डर कर देता था अप्सराओं को गंधर्वों को। उसी को मरवाने के लिए हम यहाँ मुनियों सहित आए हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गता त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां परन्तप बधाय देव शत्रुणां नृणां लोके मनः कुरु एव मुक्तस्तु देवेषु विष्णु स्त्री दश पुंगव। हम सिद्ध गंधर्व और यक्ष सहित आपकी शरण में आए हैं, हे देव हमारी दौड़ तो आप ही तक है, अतः आप देवताओं के शत्रु रावण का वध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हो जाइए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। पिता महापुरो गास्तान सर्वलोक नमस्कृत अब्रविचिदसान सर्वान समेतान धर्म संहितान भजम त्यजत भद्रम वो हितार्थम जुधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समित्र ज्ञातावान बांधवम हत्वा क्रूरम दूरात्मानं देवर्षीणां भयावहं दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च। हे देवताओं सर्वलोकों से नमस्कार किए जाने वाले अर्थात सर्व पूज्य भगवान विष्णु ने शरण आए हुए एकत्रित ब्रह्मादि देवताओं से कहा, हे देवताओं तुम्हारा मंगल हो, अब डरो मत, तुम्हारे हित के लिए मैं रावण से लड़ूंगा। मैं पुत्र पौत्र मंत्री मित्र जाति वालों तथा बंधु बांधव सहित उस क्रूर दुष्ट और देवताओं तथा ऋषियों के लिए भयप्रद रावण को मारकर और 11,000 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहकर इस पृथ्वी का पालन करूंगा। सबसे लंबा अवतार मुझे लगता है यही है ना, 11,000 वर्ष तक, दस वर्ष सहस्राणी दस वर्ष शतानि च, है ना, दस वर्ष शतानि च 11,000 वर्ष तक।
एवं दत्वा वरं देव देवानां विष्णुरात्मवान् मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलासाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधं पीतरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को वरदान दे अपने जन्म लेने योग्य मनुष्य लोक में स्थान सोचने लगे, कहाँ जन्म लूँ मैं। कमल नयन भगवान विष्णु ने अपने चार रूपों से महाराज दशरथ को अपना पिता बनाना अर्थात उनके घर में जन्म लेना पसंद किया। चार रूप में बोले, चार रूप में दशरथ को पिता बनाऊंगा। ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रा साप सरोगणा तुति भीर दिव्य रूपा भी तुष्ट मधुसूदनम। तब देवर्षि गंधर्व रुद्र अप्सरागण इन सब ने मधुसूदन भगवान की स्तुति कर उनको संतुष्ट किया। मधुसूदन तमुद्धतम रावणम उग्रतेशम प्रवृद्ध दर्पम त्रिदशेश्वर द्वीपम पीरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्वी नामोधरतम भवावहम तमेव हत्वा सबलम सबांधवम वीरावणम रावणम उग्र पौरुषम स्वरलोकमागच्छ गत ज्वरश्चिरम सुरेन्द्र गुप्तम गत दोष कल्पसम। और कहा, हे प्रभु, इस उदंड बड़े तेजस्वी अत्यंत अहंकारी देवताओं के शत्रु लोगों को रुनाने वाले साधु तपस्वियों को सताने वाले भय दादा रावण का नाश कीजिए। उस लोगों को रुलाने वाले और उग्र पशु पुरुषार्थी रावण को बंधु बांधो तथा सेना सहित मारकर और संसार के दुख को दूर कर इंद्रपालित तथा पाप एवं दोष शून्य स्वर्ग में पधारिए। इस प्रकार से बालकांड का 15वां सर्ग समाप्त हुआ, 16 सर्ग। ततो नारायणो देवो नियुक्तः सुरसत्तमयि जानन्नपि सुरानेन लक्ष्मणं वचनमब्रवीत। देवताओं की स्तुति सुनकर सब जानने वाले साक्षात परब्रह्म नारायण देवताओं के सम्मान के लिए मधुर वचन बोले। हे देवताओं, यह तो बतलाओ कि उस राक्षसों के राजा और मुनियों के कंटक को हम किस उपाय से मारें। देवताओं से पूछ रहे हैं, कैसे मारूं मैं, उपाय बताओ। यह सुन देवताओं ने अब्बे विष्णु से कहा, मनुष्य रूप में अवतीर्ण हो रावण को युद्ध में मारिए। सहिते पे तपस तीव्रम दीर्घ काल मनृदम जेन तुष्टो भवद ब्रह्मा लोक क्री लोक पूजितः संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरम प्रभु नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयम नान्यत्र मानुषात्। हे अरिंदम, उसने बहुत दिनों तक कठोर तप करके लोककर्ता और लोकपूजित ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। किसने? तब उन्होंने प्रसन्न हो उस राक्षस को यह वर दिया कि मनुष्य के सिवाय हमारे सृष्टि के किसी भी जीव के मारे तुम नहीं मरोगे।
वह मनुष्य को तुच्छ समझता था, अतः उसने मनुष्यों से भय रहना नहीं मांगा। सोचा मनुष्य से बोलूँगा, शर्म आ गया उसको, क्या है मनुष्य, छोड़ दो मनुष्य को, उसको ऐसे ही देख लेंगे। ब्रह्मा जी के वर से वह गर्वित हो गया। इस समय वह तीनों लोगों को उजाड़ता है, स्त्रियों को पकड़ कर ले जाता है, अतः वह मनुष्य के हाथ ही से मर सकता है। देवताओं की इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ को अपना पिता बनाना पसंद किया। उसी समय पुत्रहीन महाद्युतिमान शत्रुहंता महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया। पैरलली दोनों चल रहा है, हैं? पैरलली। इस प्रकार महाराज दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय कर और ब्रह्मा जी से बातचीत कर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। 12 बजे तक जन्म करा ही देंगे हम भगवान का। ततो वै यजमानस्य पावकादतुल प्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्ताम्बरं धरं रक्ताक्षं दुन्दुभिस्खरं स्निग्धहर्यक्षतनुजस्म श्रुप्रवरमूर्धजम् शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुच्छेदम दृप्त शार्दुल विक्रमम दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमम तप्त जाम्बून दमयीम राजा राजा राजतान तपरिक्षदाम। उधर महाराज दशरथ के अग्निकुंड के अग्नि से महाबली अतुल प्रभाव वाला काले रंग का लाल वस्त्र धारण किए हुए काले रंग का था व्यक्ति, लेकिन वस्त्र कैसा था, लाल रंग का धारण किए हुए लाल रंग के मुंह वाला नगाड़े जैसा शब्द करता हुआ सिंह के रोम जैसे रोम और मूंछों वाला, रोंगटे कैसे थे, सिंह के रोम जैसे, अग्निदेव का रूप का वर्णन कर रहे हैं ना। शुभ लक्षणों से युक्त सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए पर्वत के शिखर के समान लंबा सिंह जैसी चाल वाला सूर्य के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह रूप वाला दोनों हाथों में सोने की थाल में जो चांदी के ढकने से ढक्कन से ढका हुआ था पत्नी की तरह प्रिय और दिव्य खीर लिए हुए मुस्कुराता हुआ एक पुरुष निकला। वह महाराज दशरथ की ओर देखकर बोला, महाराज मैं प्रजापति के पास से यहां आया हूं। यह सुन महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका मैं स्वागत करता हूं, कहिए मेरे लिए क्या आ गया है। ईश्वर प्रजापति के भेजे उस मनुष्य ने फिर कहा, देवताओं का पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है। इदं तु नरशार्दूलं पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यम आरोग्यवर्धनम्। हे नरशार्दूल, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की देने वाली तथा धन और ऐश्वर्य की बढ़ाने वाली है, इसे आप लीजिए। देवताओं के द्वारा बनाया गया खीर, स्पेशल खीर। भार्याणाम अनुरूपाणाम अस्नितेति प्रयक्ष वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् अदर्थं यजसे नृप। और इसको अपने अनुरूप रानियों को खिलाइए, इसके प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होंगे
जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। तथेति नृपति प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रिम देवान् अंशपूर्णाम् देवदत्ताम् हिरण्मयीम्। इस बात को सुन महाराज दशरथ ने प्रसन्न हो उस देवताओं की बनाई हुई और भेजी हुई खीर से भरे सोने के पात्र को लेकर अपने माथे पर चढ़ाया, प्रणाम किए। अभिवाद्य च तद्भुतम् अद्भुतम् प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्चकाराभिः प्रदक्षिणम्। तदनंतर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को महाराज ने प्रणाम किया और परम प्रसन्न हो उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूवः परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः। उस देव निर्मित खीर को पाकर महाराज दशरथ उसी तरह परम प्रसन्न हुए जिस तरह कोई निर्धन मनुष्य धन पाकर परम प्रसन्न होता है। निर्धन मनुष्य को अगर धन मिल जाए तो क्या हाल होता है? प्रसन्न हो जाता है। तत अद्भुतम प्रख्यम भूतम परम स्फास्वरम संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवांतर धीयत। वह महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ को पायस पात्र देकर वहीं अंतर्धान हो गया। हर्ष रश्मि भिरुद्योतम तस्यांतः पुरमावभौ शारदस्याभि रामस्य चंद्रसेव नभोंसुभि। महाराज की रानियां भी यह सुख संवाद सुन शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से आकाश की भांति प्रसन्नता से खिल उठी अर्थात शोभायमान हुई। सुन्तः पुरं प्रविश्यैव कौसल्यादिम अब्रवीत पायसं प्रति गृहिणीस्व पुत्रियं त्विदमात्मनः। महाराज दशरथ रनवास में गए और महारानी कौशल्या जी से यह बोले, लो यह खीर है, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। कौशल्याये नरपति पाय सार्धम ददौ तदा अर्धादर्ध ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। तदनंतर महाराज दशरथ ने उस खीर में से आधी तो कौशल्या जी को और बची हुई आधी में से आधी सुमित्रा को दी। आधी कौशल्या, फिर जो बाकी बच गया 50% उसमें से 25 किसको दिया? सुमित्रा जी को। तो कितना बच गया? 25। कैकेयी चावशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धम पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपति एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक। कुल खीर का आठवां हिस्सा, कितना? आठवां हिस्सा है ना, मतलब 12.5%। बाकी जो 25 बच गया था उसका आधा 12.5 हुआ ना, आठवां कैकेयी को दिया और उस अमृतोपम खीर का बचा हुआ आठवां भाग कुछ सोचकर फिर सुमित्रा को दे दिया। किसको? सुमित्रा को दे दिया।
इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियों को अलग अलग हिस्से कर खीर बांटी। समझ गया कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जी। तो सुमित्रा के पास कितना आ गया? 37.5। उस खीर को खाकर महाराज की कौशल्या आदि सुंदरी रानियां बहुत प्रसन्न हुई। और इसको थोड़ा देख लीजिए एक बार। क्या हो गया? वो जो पहले जो वीडियो बना था उसको से चल रहा है। हाँ चल रहा है, दिख नहीं रहा है। चल रहा है। उस खीर को खाकर महाराज की कौशल्या आदि सुंदर रानियां बहुत प्रसन्न हुई। आपको दिख रहा है ना? मेरे को नहीं दिख रहा। चल। और अपने को अत्यंत भाग्यवती माना। तदनंतर उन उत्तम रानियों ने महाराज की पृथक दी हुई खीर खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण किए। ततस्तुता प्राश्य तदुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक हुतासनादित्य समान तेजस चिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। महाराज दशरथ भी अपनी रानियों को गर्भवती और अपना मनोरथ पूर्ण होता देख उसी प्रकार प्रसन्न हुए जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं और सिद्धों से पूजित हो स्वर्ग में प्रसन्न होते हैं। बड़े प्रसन्न होने की बात ही है। इस प्रकार से बालकांड का 16वां वर्ग सर्ग समाप्त हुआ। 17वां सर्ग। महात्मा महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु को पुत्र रूप से अवतीर्ण होते देख ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा, सत्यसंध वीर और सबका हित चाहने वाले देवताओं, भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी बलवान कामरूपी जैसा चाहे वैसा रूप बनाकर माया को जानने वाले वेग में पवन के समान नीतिज्ञ बुद्धिमान पराक्रम में विष्णु के ही समान जिनको कोई मार न सके उद्यमी दिव्य शरीर वाले अस्त्र विद्या में निपुण और देवताओं के सदृश बानरों को अप्सराओं गंधर्व की स्त्रियों और यक्षों एवं नागों की कन्याओं ऋक्षियों विद्याधरियों किन्नरियों और बानरियों से उत्पन्न करो। देवताओं को उत्पन्न करो, है ना, देवताओं के समान बानरों को, है ना, मतलब इन सब चीजों के से युक्त इन गुणों से युक्त बानर को प्रकट करो। किससे किससे पढ़कर करना है? अप्सराओं के गर्भ से, गंधर्व के गर्भ से, अप्सरा और गंधर्व की स्त्रियों के और यक्षों और नागों की कन्याओं के गर्भ से, ऋक्षियों के गर्भ से, विद्याधरियों किन्नरियों और बानरियों से उत्पन्न करो। मैंने भी पहले भालुओं में श्रेष्ठ जामवन नामक ऋक्ष को पैदा किया था, है ना, कौन बोल रहे? ब्रह्मा जी कि मैंने भी पहले ऋक्षियों से, ऋक्षियों बोले तो मतलब ऋक्ष ऋक्ष से मैंने जामवान को प्रकट किया था, है ना। वह जमुहाई लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा था, जमुहाई ले रहे थे तो निकल गया था कौन? जामुन। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? जामवान। जानते थे बात? जमुहाई लेते समय हैं ऋक्ष को पैदा किया था, ये ऋक्ष नहीं आई, ऋक्ष पैदा किए थे, बिना अपने मुंह से ही पैदा किए थे, ऋक्ष नहीं। उन बाकी लोगों को बोले कि ऋक्षियों से पैदा करो, खुद नहीं। ब्रह्मा जी के इस आज्ञा अनुसार ऋक्षों सिद्धों चारणों विद्याधरों और नागों ने बानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया। नाग ने भी बानर को उत्पन्न किया, सोचिए।
कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ऋक्षों, सिद्धों, चारणों और विद्याधरों और नागों ने बानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया। तो जितने बानर थे भगवान की सेना में कौन थे? सारे देवता थे। अब किसने किसको उत्पन्न किया सुनिए। इंद्र ने महेंद्र अचल की तरह बाली को प्रकट किया। इंद्र के पुत्र कौन थे? बाली। सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तार, जो सब बानरों मुख्य और अति चतुर था। तार जानते थे नाम तार का? तार, तार नाम का बानर। बानर कुबेर ने गंधमादन नाम के बानर प्रकट किए। विश्वकर्मा ने नल को प्रकट किया। अग्नि ने नील, जो अग्नि के समान ही तेजस्वी था और तेजस यश और पराक्रम में जो अपने पिता से भी बढ़कर था। अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविड को प्रकट किया। किसने? अश्विनी कुमार ने मैद और द्विविड हैं। वरुण ने सुसेन को, मेघ ने सरभ और पवन ने हनुमान नामक बानर उत्पन्न किया। इनकी देह वज्र के समान दृढ़ थी और ये वेग में गरुड़ के समान थे। हनुमान जी बुद्धि और पराक्रम में अन्य सब बानरों से बढ़ चढ़ कर थे। इनके अतिरिक्त हजारों और भी बंदर रावण के वध के लिए उत्पन्न किए गए। जितने वानर उत्पन्न हुए वे सब के सब अत्यंत बलवान, स्वेच्छाचारी, गज और भूधराकार शरीर वाले थे। भूधराकार मतलब पहाड़ जैसा शरीर था उनका, ना? अत्यंत बलवान थे। हाथी का जैसा शरीर था किसी का पहाड़ जैसा था। रीछ, बंदर, लंगूर सब ऐसे ही थे। कोई रीछ का रूप था, किसी का बंदर का, किसी का लंगूर का। जिस देवता का जैसा रूप, वेश व पराक्रम था, उनके अलग अलग वैसे वैसे ही पुत्र भी हुए, है ना? बल्कि इन योनियों में विशेष पराक्रमी हुए। इनमें से कोई तो लंगूरनी से, कोई रिछनियों से, कोई किन्नरियों से उत्पन्न हुआ। यशस्वी देवता ऋषि गंधर्व, उरग, यक्ष, नाग, किन्नर, विद्याधर आदि ने हजारों हृष्ट पुष्ट पुत्र उत्पन्न किए। ये सब बानर बड़े भारी डिलडौल के थे और दर्प तथा बल में सिंह और शार्दूल के समान थे। सब के सब शिलाग्रों, पर्वतों, नखों और दांतों से प्रहार करने वाले तथा सब अस्त्रों को चलाने में पंडित थे। शरीर भले जो भी हो लेकिन अस्त्र सारे, धनुष बाण सब चलाते थे, ब्रह्मास्त्र सब चला सकते थे, है ना? शरीर अलग अलग था वो तो। ये लोग बड़े बड़े पर्वतों को हिला देने वाले थे, बड़े बड़े जमे हुए पेड़ों को उखाड़ देने वाले और अपने वेग से समुद्र को भी विचलित करने वाले थे। देवता थे ना सारे ये। अपने पैर के प्रहार से पृथ्वी को फोड़ने वाले, समुद्र के पार जाने वाले, आकाश में उड़ने वाले और बादलों को भी पकड़ने वाले थे। ये बानर जंगलों में घूमने वाले मदमस्त हाथियों को पकड़ने वाले और किलकारी मारकर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को गिराने की समर्थ रखने वाले थे। जानते थे ये बात? हाथी को भी पकड़ लेते थे बानर, ऐसे बानर थे। इस प्रकार काम रूपी बानरों की उत्पत्ति हुई है। वे ऐसे महाबली लाखों बानरों के युद्धों के युद्धपति हुए हैं। कामरूपी, एक का नाम था कामरूपी। इन प्रधान युद्धों से अनेकों वीर हैं। ये सारे बानर थे और इनके अंदर में बहुत सारे सबॉर्डिनेट बानर, ये हेड बानर है ना, और सबॉर्डिनेट बानर थे युद्ध हैं। प्रधान युद्धों से अनेक वीर युद्ध श्रेष्ठ बानर उत्पन्न हुए। इनमें से हजारों ऋछवान पर्वत के शिखरों पर और शेष बानर जगह जगह पर्वतों और घनों और वनों में बसने लगे। कुछ पर्वत के शिखर पर, कुछ वन में, नाना जगह जहाँ जहाँ अपना जन्म लेके पड़े हुए थे, जंगल में, वन में, है ना? सूर्यपुत्र सुग्रीव और इंद्रपुत्र बाली, इन दोनों भाइयों के पास ये सब बानर रहने लगे। ये हेड बन गए सुग्रीव और बाली, सारे बानर इनके अंडर में आ गए। और बहुतों ने नल, नील, हनुमान तथा अन्य युद्धपतियों का सहारा लिया। वे सब गरुड़ के समान बलवान और युद्ध में कुशल थे।
वे सब वानर घूमते हुए सिंह व्याघ्र और सांपों को भी मर्दन करने लगे। महाबली और महाबाहु बाली अपने विपुल विक्रम और अपनी भुजाओं के बल से बंदर रीछ और लंगूरों का पालन करने लगा। उन सूरवीर कपियों से जिनके विविध प्रकार के रूप रंग थे पर्वत वन समुद्र और पृथ्वी के अनेक स्थान परिपूर्ण भर गए। मेघों और पर्वतों के समान भीम शरीर वाले महाबली जो युथप बंदर श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए उत्पन्न हुए थे उनसे सारी पृथ्वी भर गई। महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर देवता अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। महाराज भी यज्ञ दीक्षा के नियमों को समाप्त कर रानियों सेवकों को सेना और वाहनों सहित राजधानी में चलने लगे। बाहर से नौते में आए हुए राजा भी यथोचित रीति सत्कारित हो और वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सहर्ष अपने अपने देशों को चले गए। वहाँ से अपने नगरों को राजाओं के जाने पर उन राजाओं की सेनाएं नाना प्रकार के भूषण वस्त्र आदि पाकर और प्रसन्न हो अध्यक्ष से अपने अपने पुरों को विदा हुई। सब राजाओं के विदा हो जाने के बाद महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे कर पुरी में प्रवेश किया। ऋषि श्रृंग भी अपनी पत्नी शांता सहित महाराज से विदा हो अपने स्थान को चले गए। महाराज उनको पहुँचाने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गए। इस प्रकार उन सबको विदा कर महाराज सफल मनोरथ हो संतान उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए रहने लगे। यज्ञ होने के दिन से जब 6 ऋतुएं बीत चुकी, कितना जिस दिन यज्ञ हुआ था उस दिन के बाद से 6 ऋतु मतलब 12 महीना बीत गया और 12वां महीना लगा, तब चैत्र मास की 9वीं तिथि को ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां पट समत्ययु ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नामगिके तिथौ। चैत्र मास की 9वीं तिथि को नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वोच संस्थे पुपंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में, कौन सा नक्षत्र? पुनर्वसु। सूर्य मंगल शनि बृहस्पति और शुक्र के उच्च स्थानों में प्राप्त होने पर अर्थात क्रमशः मेष मकर तुला कर्क और मीन राशि में आने पर और जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो गए तब कर्क लग्न के उदय होते ही प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद्रामम दिव्य लक्षण संयुतम। सर्ववंद्य जगत के स्वामी दिव्य लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र जी का जन्म कौसल्या जी के गर्भ से हुआ। 12 बजे लीला हो गई, एग्जैक्ट 12 बज गया मेरी लैपटॉप में, है ना? विष्णुरर्धम महाभागम पुत्रमैक्ष्वाकवर्धनम कौसल्यासु शुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवाना अदितिवर्ज पाणिना भरतो नाम कैकेयां जगे सत्यपराक्रम। इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाले विष्णु भगवान का आधा भाग कौसल्या के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। इस अमित तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने पर कौसल्या जी की वैसी ही शोभा हुई जैसी कि देवताओं के वरदान से इंद्र द्वारा अदिति की हुई थी। तो भगवान विष्णु के आधे भाग से, क्या बता रहे? आधा भाग, 50% है ना, भगवान श्री रामचंद्र जैसे कि देवताओं के वरदान से इंद्र द्वारा अदिति की हुई थी। सत्य पराक्रमी भरत कैके गर्भ से उत्पन्न हुए। भरत जी विष्णु भगवान के चतुर्थांश थे, 25% 50% भगवान श्री राम, 25% भरत, और सब गुणों से युक्त थे।
साक्षात विष्णु चतुर्भाग सर्वै समुदितो गुणै अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ। भरत जी विष्णु भगवान के चतुर्थांश थे, सर्व गुणों से युक्त थे, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। ये दोनों विष्णु के अष्ट अंश थे और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में कुशल सूरवीर थे। पुण्य नक्षत्र और मीन लग्न में सदा प्रसन्न रहने वाले भरत जी का जन्म हुआ। पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में थोड़ा सा डिफरेंस था, है ना। शलेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय के समय लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन दोनों का एक साथ हुआ था, थोड़ा डिफरेंस है ना, एक साथ नहीं चारों का जन्म हुआ, थोड़ा थोड़ा अंतराल पे। महाराज के चारों पुत्र पृथक पृथक गुणों वाले पैदा हुए। चारों पुत्र गुणवान और पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के तुल्य कांति युक्त थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गान किया, अप्सराएं नाची, देवताओं ने बाजे बजाए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। इस प्रकार अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया और लोगों की बड़ी भीड़ हुई। हम लोग इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र का अवतार प्रकट हुआ और कहते हैं कि अयोध्या में घर घर आनंद की बधाई बजने लगी आ रही थी। इस उत्सव में महाराज दशरथ ने सुत मागध और बंदीगणों को पारितोषिक यानी सिरोण और ब्राह्मणों को धन और बहुत सी गौवें दी। 12वें दिन चारों शिष्यों का नाम संस्करण संस्कार किया गया। 12वें दिन क्या हुआ? नामकरण संस्कार। सबसे बड़े अर्थात कौशल्यानंद वर्धन का नाम श्री रामचंद्र रखा गया और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। यह नामकरण संस्कार बड़े हर्ष के साथ वशिष्ठ जी ने किया। इस दिन पूर्ववासियों को और बाहर से आए हुए ब्राह्मणों को महाराज ने भोजन कराए और ब्राह्मणों को बहुत से रत्न बांटे। इन सब बालकों के जात कर्म अन्न प्रसन्न आदि संस्कार महाराज ने यथा समय करवाए। इन चारों में कुल की पताका के समान श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ के अत्यंत प्यारे थे। यही नहीं बल्कि वे ब्रह्मा जी की तरह सब लोगों को प्रेमास्पद थे। चारों राजकुमार वेद के जानने वाले सुर और सब लोगों के हितैषी थे। यद्यपि सब राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न थे तथापि उनमें महातेजस्वी और सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी निर्मल चंद्रमा की तरह सबके प्यारे थे। उनको हाथी के कंधे पर और घोड़े की पीठ पर तथा रथ पर बैठना बहुत पसंद था। जानते थे आप भगवान श्री रामचंद्र जी को हाथी के कंधे पर, घोड़े की पीठ पर और रथ पर बैठना बहुत पसंद था, इसलिए उनको हाथी के आप गिफ्ट कर सकते हैं। अर्थात हाथी घोड़ा और रथ स्वयं हाँकने का शौक था। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी लड़कपन से ही अपने लोक हितैषी अथवा लोकाभिराम ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में सदा रहते थे और श्री रामचंद्र जी को अपने शरीर से बढ़कर चाहते थे। लक्ष्मी से संपन्न लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी अपना दूसरा प्राण ही मानते थे और इतना चाहते थे कि बिना उनके न तो सोते और न कोई मिठाई ही खाते थे, है ना। लक्ष्मण के बिना सोते नहीं थे और मिठाई भी नहीं खाते थे। जब तक लक्ष्मण नहीं आ जाएगा मिठाई रखी रहेगी, साथ में खाएंगे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाते तब लक्ष्मण जी धनुष हाथ में ले उनके पीछे पीछे हो लिया करते थे। भरत जी को भी शत्रुघ्न
उसी प्रकार प्राणों के समान प्रिय थे जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण। इन चारों महाभाग्यशाली पुत्रों से महाराज दशरथ वैसे ही प्रसन्न रहते थे जैसे चारों वेदों से ब्रह्मा जी। उन चारों ज्ञानी सब गुणों से युक्त लज्जालु कीर्तिमंत सर्वज्ञ दूरदर्शी पुत्रों का प्रभाव व तेज देखकर उनके पिता महाराज दशरथ वैसे ही प्रसन्न होते थे जैसे ब्रह्मा जी लोकपालों से अथवा दिक्पालों से। वे चारों पुरुष सिंह राजकुमार वेद अध्ययन में निरत रहते थे। वे पिता की सेवा किया करते थे, धनुर्विद्या में निष्ठा रखते थे। उनके विवाह के लिए महाराज दशरथ उपाध्यायों और कुटुंबियों तथा मंत्रियों से सलाह कर रहे थे कि इसी बीच में महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र पधारे। विवाह की डिस्कशन चल रहा था तभी कौन आ गए? विश्वामित्र जी पधार गए। वे महाराज से मिलने की अभिलाषा से दरवाजे पर आकर बोले, तुरंत जाकर महाराज को सूचना दो कि गाधी के पुत्र आए हैं। गाधी विश्वामित्र जी के पिता का नाम था गाधी। यह सुन और भयभीत हो द्वारपाल राजगृह की ओर दौड़े। विश्वामित्र जी के कहने पर उन्होंने बड़े आदर के साथ राजभवन में जाकर विश्वामित्र जी के आने का संवाद महाराज दशरथ से निवेदन किया। उनका आगमन सुन महाराज प्रसन्न हो और वशिष्ठ जी को साथ ले विश्वामित्र जी से मिलने उसी प्रकार गए जिस प्रकार ब्रह्मा जी से मिलने इंद्र जाते हैं। तेज से दिव्यमान महातपस्वी अति कड़े नियमों का पालन करने वाले और प्रसन्न मुख विश्वामित्र जी को खड़ा देख महाराज ने प्रसन्न हो शास्त्र विधि के अनुसार उनको अर्घ्य प्रदान किया। महाराज से अर्घ्य लेकर विश्वामित्र जी ने महाराज से पूर्व कोष राज्य कुटुंब और इष्ट मित्रों की कुशल पूछी। विश्वामित्र ने कुशल पूछते हुए अत्यंत धार्मिक महाराज से पूछा, आपके समस्त सामंत आपके अधीन रहते हैं ना? आपने अपने शत्रुओं को तो जीतकर अपने बस में कर रखा है, वो सब ठीक ठाक तो चल रहा है, कहने का अर्थ है कोई परेशान तो नहीं कर रहा है आपको? यज्ञ आदि देव कर्म तथा तो अतिथियों का सत्कार आदि कर्म भली भांति हो रहे हैं? फिर विश्वामित्र जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कुशल पूछी। इसके बाद विश्वामित्र जी ने यथाक्रम अन्य ऋषियों से कुशल मंगल पूछा। तब वे सब प्रसन्न मन महाराज के सभा भवन में गए, जहाँ वहाँ वे लोग यथोचित पूजे जाकर यथोचित आसन पर बैठ गए। तब महाराज दशरथ प्रसन्न हो महामुनि विश्वामित्र जी से बोले, परमदाता महाराज आदरपूर्वक बोले, हे महर्षि, आपके आगमन से मुझे वैसा ही सुख प्राप्त हुआ है जैसा कि अमृत के मिलने से, सूखती हुई खेती को वर्षा होने से, अपुत्रक को पुत्र के जन्म से और टोटा उठाने वाले को लाभ होने से सुख प्राप्त होता है। हे महामुनि, मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ, कहिए मेरे लिए क्या आ गया है? आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने से मैं सुपात्र और धार्मिक बन गया। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा जीवन सुजीवन हुआ। आप प्रथम जब राजऋषि थे तभी आप बड़े तेजस्वी थे, फिर अब तो आप ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त होने से सब प्रकार से मेरे लिए अत्यंत पूज्य हो गए हैं। आपका आगमन अति पवित्र और अद्भुत होने से आपके शुभ दर्शन कर मेरा शरीर भी पवित्र हो गया। आप जिस काम के लिए पधारे हो वह बतलाइए, मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा कर मैं अनुग्रहित हूँ। हे कौशिक, आप किसी बात के लिए संकोच ना करें, मैं आपके सब कार्य करूँगा क्योंकि आप तो मेरे देवता हैं। ब्रह्मर्षि, आपके पधारने से मेरा मन भाग्य मानो भाग्य जाग गया और बड़ा पुण्य हुआ है। महाराज दशरथ के इन हृदय को सुख देने वाले शास्त्र अनुमोदित और विनम्र वचन सुनकर बड़े यशस्वी और सर्वगुण संपन्न महर्षि विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हुए। इस प्रकार से 18वां सर्ग समाप्त हुआ। अब आगे जो है वो सामने बताया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।